कौन सा वाला पार्ट? एक सेकेंड रुको, एक एक करके आएंगे सबके पास। हाँ पेज नंबर, हाँ पेज सेव, बात कम करो अब। पेज 17, यही तो कल जो डिस्कस किए थे। लास्ट का 3 पॉइंट, पेज 17, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसका अपर लिमिट तुम सेट कर सकते हैं, मतलब वो बाउंडेड फ्रॉम अबव है, और बाउंडेड फ्रॉम अबव क्या हो जाते हैं, वेबल तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्रायंगुलर तुम लोग के सिलेबस पे नहीं है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दीज कैन बी बाउंडेड फ्रॉम अबव, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी सेट, तो तुम वेबल में उसको डाल देगा। सिमिलरली जिसका टेल दोनों तरफ में काफी लाइट है, मतलब वो डीके हो गया बहुत फास्ट, तो वो हो जाएगा तुम्हारा गंबल, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल नॉर्मल का बहुत जल्दी टेल डीके हो जाता है, एंड एक्सपोनेंशियल का तो बहुत जल्दी डीके हो जाता है, एंड फ्रेशे में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं बाउंडेड फ्रॉम बिलो, एंड उसके साथ तो पहला दोनों पार्ट्स अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फ्रेशे होगा, एंड अगर किसी का हैवी राइट टेल है तो वो फ्रेशे होगा। अगेन ये जो है ये बहुत सब्जेक्टिव भी है, बिकॉज तुम जस्ट बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन नॉट अप्लाई द जजमेंट, तो इसीलिए टेबल याद करना भी जरूरी है, अदरवाइज और ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा कि तुम लोग को बोले, बट वो एक्सपोनेंशियल जो हम लोग वहां सॉल्व किए थे एंड फिर उसको पूरा हम लोग सॉल्व किए, उस तरीके से सम फिर भी आ सकता है, बट और ज्यादा तुम लोग के उसमें नहीं आएगा। फाइनाइट मोमेंट्स फॉर ऑल ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स मतलब M1, M2, M3, तो इसका कुछ एक वैल्यू पॉसिबल है, बहुत बार क्या होता है कि इट इज इंफिनिट इंफिनिटी, मतलब कोई एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी हाई। उसका क्या मतलब है वेरी हाई होने का, कि वो तुम्हारा नेवर एंडिंग है, तुम्हारा डीके नहीं हो रहा है ना फास्ट, इसीलिए। ठीक है, हाँ बोलो ज्योति। मैम, विबुल टाइप जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेल है वो हेवी होगा या फिर लाइट होगा? वेबुल का, हाँ वेबुल का तो पहले तो अपर साइड से वो बाउंडेड है, और लोअर साइड में इट इज नॉट वेरी हैवी कंपेयर टू फ्रेशे, क्योंकि अगर तुम जाके डायग्राम में देखोगी वेबुल का एंड फ्रेशे का, तो फ्रेशे का यू विल सी इट्स अ लिटिल मतलब थिकर, बट उसका थिन मतलब, तो तुम ऐसे एग्जैक्टली हैवी टेल, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद गंबल तो वो हैवियर है, इफ यू कंपेयर इट विद फ्रेशर तो फ्रेशे तो वो लाइटर हो जाएगा टेल। पेज 4 में हाँ, वन रीजन फॉर दीज फैट टेल्स इज दैट द वोलेटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बट वेरी स्टोकास्टिकली ओवर टाइम, दिस प्रॉपर्टीज। हाँ हेट्रोस्केडास्टिक हम लोगों ने टाइम सीरीज में पढ़ा था, क्या होता है आर्च मॉडल, जहाँ पे और वेरियंस इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे भी वही बोला है कि वन रीजन कि तुम्हारा वो फैट टेल है इज बिकॉज द वोलेटिलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑलवेज, मतलब इस सपोज इस ईयर में हम लोग बोल रहे हैं वोलेटिलिटी इज 10% एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ लाइक हाई वैल्यू क्लेम अमाउंट बिकॉज ऑफ दैट हाई वोलेटिलिटी, बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वोलेटिलिटी कम हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर वोलेटिलिटी ज्यादा हो गया, सो वोलेटिलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, एंड सिंस इट्स नॉट कॉन्स्टेंट एवरी ईयर तो तुम यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा जो टेल है दैट कैन ऑल्सो वैरी, मतलब इट हैज टू बी अ फैट टेल। फैट टेल मतलब कब होगा कि वो वैरी कर रहा है ना, तुम्हारा ज्यादा स्क्यूनेस है, ज्यादा वेरियंस है, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं है। इन लोग क्यों नहीं आया आज ग्रुप बना के, मास बंक? हाँ कब आएगा, कल की क्लास में और नेक्स्ट? हाँ बोल। 14 डेक बीटा क्या पैरामीटर होता है, स्केल की शेप देख के बताओ, स्केल होता है, स्केल इस तुम देखो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बहुत अच्छा लाइन मैंने लिखा, हाँ इसी में आ जाओ, हाँ पेज 11 में द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा रीस्केल शिफ्ट एंड स्ट्रेच,
तो क्या होता है, अगर अल्फा चेंज होगा तो तुम्हारा लोकेशन नहीं चेंज हो जाएगा, पूरा मीन चेंज हो गया, एंड तुम्हारा बीटा विच इज द स्केल पैरामीटर अगर वो चेंज हो रहा है तो तुम्हारा स्ट्रेच चेंज होगा. क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि तुम जैसे वेरियंस, वेरियंस में हम लोग क्या बोलते हैं, वेरियंस अगर कम है तो तुम्हारा उतना स्प्रेड नहीं है अक्रॉस द मीन, बट अगर वेरियंस ज्यादा है तो मीन के अक्रॉस में स्प्रेड ज्यादा है. कहाँ टेल थिकर हो जा रहे हैं, हाँ, और स्प्रेड बढ़ रहा है देखो. हाँ, तुमको उससे नहीं देखना है कि डिवाइड हो रहा है, वो चीज नहीं देखो. बीटा का सिग्निफिकेंस इधर एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड डिविएशन. हाँ, जैसे तुम अगर देखेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10, 10 है एक का, ठीक है, एंड एक का 10, 20 है. तो 10, 10 अगर तुम देखेगा इट इज लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल. तो ये 10 है ना दोनों में, मतलब एक सेकेंड आराम से जाना, कैमरा में मत आना. तो ये 10 होने का क्या मतलब है, ये 10 होने का मीन 10 है. तो तुम्हारा लोकेशन सेम है, बट सिंस योर वेरियंस इज हाई फॉर दिस, यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा इधर स्प्रेड ऐसा होगा. मतलब 20 का क्या मतलब है, हाई वैल्यूज होने का चांसेस अब ज्यादा हो गए, या कम वैल्यू होने का भी चांसेस अब ज्यादा हो गए, बट योर मीन इज सेम. ठीक है, नेक्स्ट पूछो. सेम, दिस इज बेसिकली बीटा एंड दिस इज अल्फा फॉर अस, बीटा इज योर स्केल. नेक्स्ट पूछो. पेज 12 में क्या डाउट है? यही तो चेन रूल जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि एच एक्स, पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने यू सब्स्टिट्यूट किया, वी सब्स्टिट्यूट किया. सो इट्स लाइक तुम चेन रूल जब लगाती हो तो तुम्हारा इन्होंने किया है डी एच एक्स बाई डी एक्स करना है ना हमें, तो उसको इन्होंने ब्रेक किया डी एच एक्स बाई डी वी, फिर तुम वी के टर्म्स में डिफरेंस करोगी डीवी बाई डी यू, फिर यू के टर्म्स में डी यू बाई डी एक्स, तो कट के क्या आएगा, डी एच एक्स बाई डी डी एक्स ही तो आएगा ना. तो चेन अगर तुम डायरेक्टली भी करोगी तो भी आएगा, बट वो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस. नेक्स्ट. हाँ गजल. मैम, ये जो पेज नंबर 15 पे नेगेटिव पावर लो लिखा हुआ है फर्स्ट कहाँ? में, बिल्कुल लास्ट लाइन, ये तुम लोग मत, इट बेसिकली मींस कि तुम्हारा एक जीरो के तरफ जा रहा था, एक वन के तरफ. सो नेगेटिव पावर लॉ का मतलब एक्स टू द पावर माइनस के है. सो इफ योर एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, लेट्स सपोज एक्स इज पॉजिटिव, तुम के को इंक्रीज करोगे तो एनीथिंग लाइक माइनस के एंड दिस के इंक्रीजेस, तो दिस पूरा थिंग विल डिक्रीज ना, ये नेगेटिव पावर लॉ है. बट हमारे केस में यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये बेसिकली तुम लोग का 1/γ हो गया के, जैसे हम लोग का -1/γ लिखा है ना, तो अगर गामा ग्रेटर देन जीरो है तो इसीलिए हम लोग फिर उसमें क्या बोलेंगे, समझी? यस मैम, मतलब इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करना है कि स्लोली डिकेज टू जीरो. करेक्ट, ये पॉजिटिव है तुम्हारा, जैसे इन्होंने बोला ना कि के ग्रेटर देन जीरो, हमारे केस में गामा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है 1/γ इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, इट्स पॉजिटिव बेसिकली. सो एनीथिंग रेज टू द पावर माइनस समथिंग, अगर तुम वो इंक्रीज करोगे तो वो पूरा फिगर डिक्रीज होगा. बट दो उसमें पार्ट्स है, एक जीरो को 10 कर रहे है, एक 1 को 10 कर रहे है, बिकॉज इट्स प्रोबेबिलिटी, तो इसीलिए ग्रेजुअल डीके है, फास्ट नहीं है. ओके मैम, गॉट इट. बोलो प्रथम. मैम, आपने वो बैक क्वेश्चन सॉल्व करने आपको बोला था, उसमें एक डाउट है. कौन से क्वेश्चन में? मैम, 16.4 का फर्स्ट का एक. 16 क्वेश्चन में अभी खाली एक ले रही हूँ प्रथम का, उसके बाद में क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगी, पहले वी मूव टू कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो पूछना. 16.4 का फर्स्ट फर्स्ट का है. 16.4 रीड करो सब लोग. इंडिविजुअल लॉसेस फॉलो,
इंडिविजुअल लॉसेस फॉलो परेटो है. मैक्सिमम क्लेम इज अ सैंपल इन अ सैंपल ऑफ एन एक्स एम शो दैट द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ब्लॉक मैक्सिमा is a GV distribution specifying the parameters. ये सेम क्वेश्चन जो उसमें था ना अल्फा डैश और बीटा डैश वाला, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल सॉल्व किया था. देखो स्टार्ट करें, प्रोबेबिलिटी एक्स एम लेस देन इक्वल टू एक्स ए इफ यू सी द सोल्यूशन. तो अगर एक्स तुम्हारे एक्स एम से भी बड़ा है तो वो बेसिकली सबसे बड़ा है. तो ये वाला पार्ट आ गया. सीडीएफ तुमको गिवन है, परेटो का सीडीएफ तुम टेबल बुक से निकाल सकते हैं. तो वन माइनस लैम्डा वो आ गया. हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? मैम वो लास्ट सेकंड स्टेप ही नहीं समझ आ रहा, वो लिमिट्स n टेंड टू इनफिनिटी का जो ई रेश्यो में आंसर है. हाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी वन, ये ई टू द पावर वाला नहीं समझ में आया देखो. यस ये हम लोग कल नहीं किए थे, लिमिट n tends to infinity 1 plus x by n minus n था कि n है is equal to e to the power x. ये किए थे, ये वाला इन लोग यूज किए हैं. पेज 3, पेज 3 या 6 है टेबल बुक का. yes, अच्छा ओके okay. समझा? हाँ, और फिर उसने अल्फा हैट और वो सब डाल दिया. तो तुम इधर में बेसिकली उसको कैसे बांटे, 1 minus 1 by n, ये तुम्हारा हो गया है 1 प्लस एक्स माइनस अल्फा. तो ये जो पूरा पार्ट है ना x की जगह पे अब ये है, ठीक है, टू दी पार n. तो e टू दी पार ये पूरा चीज, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पार माइनस अल्फा. समझा? ये x और ये सेम हो गया. तो अब तुम अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश निकाल लेगा. वेरी गुड सम, हम लोग ने कल सिमिलर किया है, तो सब मिला दिया इन्होंने, ठीक है. यस मैम. चलो एनी अदर डाउट फ्रॉम यस्टरडेज क्लास? बोलो. तीन पीडीएफ का जो डायग्राम है उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो समझने में कि वाई मतलब गामा जो 0.5 है माइनस 0.5 और 0 है, मेरे को एक्चुअली उसका सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रहा कि वो डायग्राम में आ कैसे रहा है और अल्फा और बीटा चेंज. मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है डायग्राम समझने में, अपर बाउंड लोअर बाउंड. देखो गामा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो फ्रेश हो गया, मतलब वो लोअर बाउंड से बाउंडेड है. देखो ना ऐसे फ्लैट होके ऐसे गया है, मतलब इधर तुम्हारा फ्लैट है और ऐसे ये तुम्हारा एक्स का लाइन, तो ये फ्लैट हो गया ना इधर और ये तुम्हारा अनलिमिटेड तक चलते जा रहे हैं, जीरो नहीं होगा कभी. ये हो गया गामा का सिग्निफिकेंस. जब वो वेबल है तो वो इधर से बाउंडेड है, ऐसा बन रहा है, ठीक है. और जब गंबल है तो दोनों तरफ से बहुत फास्ट डीके हो जा रहे हैं, बट जीरो नहीं होगा दोनों तरफ में, दोनों तरफ में अनबाउंडेड है, बट वो बहुत. ये तुम्हारा गामा का सिग्निफिकेंस. अल्फा सबने जीरो लिया, उसका सिग्निफिकेंस खाली मीन का है. तो देखो तुम्हें सब में मीन तुम्हारा जीरो अराउंड है, जो तुम्हारा हाईएस्ट पीक है दैट्स अराउंड जीरो फॉर ऑल. एंड बीटा का सिग्निफिकेंस अभी जो मैंने स्टार्ट में समझाया हेमंत का जो क्वेश्चन था कि स्प्रेड इट्स बेसिकली स्केल, जैसे यहां पे मैंने समझाया 10-20 करके कि इंक्रीज बीटा हो रहा है तो तुम्हारा स्प्रेड ज्यादा हो जा रहा है, उसका स्प्रेड आउट हो जा रहा है, ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है, एक्सट्रीम वैल्यूज आर पॉसिबल. समझा? चलो नेक्स्ट में आओ. अनलेस अगर आपको ये सब डायग्राम समझ आने चाहिए, बिकॉज बेसिक स्टैटिस्टिक एकदम आपका क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आओ जीपीडी में जनरलाइज्ड परेटो. क्या हुआ आप तुम लोग को बताओ, दुख दर्द क्या है, इतना क्यों बात कर रहे तुम लोग? प्राची आया तुम लोग इतने दिन बाद है, मेरे को तो लगा तुम लोग गिव अप ही कर दिया होगा, पता नहीं. कृतिका का तो मेरे को लगा वो वेकेशन ही मना रही है अक्टूबर से. हाँ खुशी मैम, पेज 18 में देयर इज दिस थिंग अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड ब्लॉक मैक्सिमा, कैन यू एक्सप्लेन दैट?
ये सेम चीज जो अभी हम लोग सम के थ्रू किए कि अगर आप एक्स एम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो माइनस अल्फा बाय बीटा करके, तो जैसे अभी जो पीछे उसका क्वेश्चन था प्रथम का 16.4, हम लोग एक्स एम का एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, वैसे आप एक्स एम माइनस अल्फा बाय बीटा का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप प्रोबेबिलिटी एक्स, जैसे आप बोलते हो कि वो सम करो क्लियर हो जाएगा, एक्स फॉलोज नॉर्मल बोलते हो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, फिर आप स्टैंडर्डाइज करते हो और फिर आप उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो ना, वैसे ही है कि एक्स एम का एक डिस्ट्रीब्यूशन है जीवी अल्फा बीटा गामा, सिमिलरली एक्स एम माइनस अल्फा बाय बीटा का आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जीवी विथ उसका पैरामीटर्स, सो दिस ऑल्सो विल बी आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग विल ऑल्सो बी अ जीवी, दैट इज वॉट दे आर सेइंग, जो हमने पीछे सम में किया और कल भी हमने एक सम में किया था ये वाला सम नंबर, कौन सा सम था? हाँ यही तो सम, पेज 19 पे जो सम है वही चीज उन्होंने, इसलिए मैंने क्या बोला इसमें कुछ बढ़ाने का नहीं है, तो क्लियर है? स्टैंडर्डाइज सर, व्हाट इज स्टैंडर्डाइज ब्लॉक मैक्सिमा, मतलब दैट इज दैट द अल्फा एंड बीटा? स्टैंडर्डाइजेशन माइनस अल्फा बाय ओके बीटा, जस्ट ओके ओके ठीक है गॉट इट। चलो जनरलाइज्ड हमने कल किया है, जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम लोग करेंगे जनरलाइज्ड परेटो। इसमें जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग एक्सीडेंसेस, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस। तो थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस क्या होता है, जैसे हम लोग कल क्या कर रहे थे, ब्लॉक में डिवाइड कर रहे थे और उसका मैक्सिमा निकाल रहे थे, अब हम लोग ब्लॉक में नहीं डिवाइड करके, मैं बोलूंगी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि भाई अगर ये जैसे 60 के अबव आया तो आप पास, 60 के बिलो आया तो आप फेल। सिमिलरली अगर 1 लाख के ऊपर है इट्स अ ह्यूज क्लेम, 1 लाख के नीचे इट्स अ स्मॉल क्लेम। ठीक है, तुम लोगों को डाउट नहीं है? गया क्लास से किया है, पढ़ा था कल, रीड किया। एज एन ऑल्टरनेटिव टू फोकसिंग ऑन द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द, ये किसका है मटीरियल, ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट एक्सीड सम थ्रेशोल्ड, जैसे 1 मिलियन। इन केस जब हम लोग जनरल इंश्योरेंस में, क्या तुम लोग देखा था ओ माई गॉड, जहां पे वो अर्थ क्वेक आता है और फिर वो कोर्ट तक चला जाता है कि भाई अर्थ क्वेक इज द क्या इवेंट ऑफ गॉड, ऐसा क्या था, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड बोलता है। और क्यों, इसीलिए जब हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं क्या बोलते हैं, अच्छे से रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, बट उसपे भी काफी रूल्स आ गए कि मेरा क्या गलती है भाई कि अर्थ क्विक आया, कंपनी बोलेगा मेरा भी क्या गलती है अर्थ क्विक आया। तो जब अर्थ क्विक सुनामी अभी जो जापान में हुआ इतना ह्यूज अर्थ क्विक, तो सोचो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, अगर एक कंपनी सबसे बड़ा कंपनी कंट्री का वो 50% ऑफ द कंट्री को इंश्योर कर रखा है, सोचो उसका क्या हालत होगा, सब क्लेम करेंगे। तो उसमें एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, दैट्स अनदर टॉपिक, बट दे आर एक्सपेक्टिंग ना कि ऐसा इवेंट हो सकता है। ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑल्सो दे चार्ज यू होम इंश्योरेंस का डिफरेंट क्लेम्स, सो प्रीमियम। सो फॉर लार्ज सैम्पल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एक्सट्रीम वैल्यू कन्वर्जेस टू अ जीपीडी, दिस इनेबल्स अस टू मॉडल द टेल, अगेन हम लोग हमेशा टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करें इन ईवीटी। नेक्स्ट आ जाओ, इफ वी लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ सी डी एफ ऑफ एफ, देन एक्स इज ओवर द थ्रेशोल्ड यू, यू को हम लोग थ्रेशोल्ड अगर वैल्यू मान रहे हैं, सो बेसिकली दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, एक्स माइनस यू। एक्स माइनस यू का क्या मतलब है, सपोज हम बोल रहे हैं 1 मिलियन इज द थ्रेशोल्ड, एक क्लेम आया 1.2 मिलियन का, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1.2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 20.2 मिलियन हो गया, गिवन वो से ग्रेटर है। तो ये गिवन वाला कंडीशन हम लोग को ध्यान रखना है, गिवन वो उससे ग्रेटर है एक्स माइनस यू, अंडरस्टूड? अदरवाइज तो इट विल बी नेगेटिव ना। तो ये सेम डेटा सेट है जो हमने पहले किया है क्वेश्चन पेज 23 में, ये सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सेम क्वेश्चन, बट अब हम लोग को देखो थ्रेशोल्ड का वैल्यू, एक बार थ्रेशोल्ड का वैल्यू 100 दिया है और एक बार थ्रेशोल्ड का वैल्यू इन्होंने 125 दिया है। तो जब 120 कितने 100 है, तब कितने वैल्यूज देखो 100 के ऊपर है, और अगर जितने वैल्यूज आपके 100 के ऊपर है, यस दिशा मैम, थ्रेशोल्ड मतलब वो एक लिमिट हो गया ना, उसके ज्यादा हाँ पे नहीं करेंगे।
नहीं, ये री इंश्योरेंस चैप्टर नहीं पढ़ रहे हम लोग. कौन उस मतलब एक हाई क्लेम हैवी क्लेम या वेरी क्लेम विद अ वेरी हाई सिवियरिटी का एक हमने मार्क लगाया. कौन बोला कि नहीं पे करेंगे? पे तो करना ही पड़ेगा. बट टू मॉडल लार्ज क्लेम्स आप एक डिफाइन करोगे ना. फॉर मी 1 मिलियन के ऊपर इज अ लार्ज क्लेम. वैसे दैट इज अ थ्रेशोल्ड ओवर हियर. वो मैंने एग्जाम्पल में लिया था. तो अगर ये केस है तो हमारा क्या क्या वैल्यू देखो ना. पहला क्लेम नंबर 5 है, फिर 6 भी है, फिर 8, फिर क्लेम नंबर 11, 15, 16, ऐसे कितना है टोटल काउंट करके बताओ. 14 क्लेम्स ऐसे आ रहे हैं और इसमें कितने क्लेम्स आ रहे हैं? इधर पूरा 7 हो गया, हाफ हो गया. अगेन हम लोग ट्रेड ऑफ क्या देख रहे हैं? हायर द थ्रेशोल्ड लोअर द सैंपल यू विल गेट एंड लोअर द नंबर यू विल हैव टू मेक योर जीपीडी डिस्ट्रीब्यूशन. वही चीज इन्होंने लिखा है, हायर द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड इन पार्ट 2 एंड हायर द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड द मोर एक्सट्रीम द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी एंड बेटर द थियोरिटिकल फिट ऑफ GPD distribution. However, using a higher threshold means fewer values for fitting the distribution. अब देखो जितना high value of threshold होगा, मतलब आप उतना ज़्यादा tail में जा रहे हो, उतना ज़्यादा tail में जाओगे तो अच्छा fit मतलब GPD अच्छा बनेगा. But again, if you have low numbers of such values, तो आपका distribution बनाना मुश्किल हो जाएगा. Although it will be a good fit, but बनाना बहुत मुश्किल होगा using only lower 7 values use करके. ठीक है, ये होता है आपका, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीपीडी एंड जीईवी. बेसिक एक होता है ब्लॉक मैक्सिमा निकालते एक्सएम, फिर एक्सएम को यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन बनाते आप अल्फा बीटा ये सब निकालते हो. यहाँ पे जीपीडी में क्या होता है, यहाँ पे आप एक थ्रेशोल्ड बताते हो कि ये आपका थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर. वहां पे भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ ब्लॉक मैक्सिमा में क्या निकालते कि एक ब्लॉक में कितने वैल्यूज होंगे, है ना, वो था. और यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड है तो स्टार्टिंग दोनों जगह आ जा रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू. ठीक है, दोनों जगह बेस्ड ऑन योर सब्जेक्टिव जजमेंट हम लोग को अप्लाई करना. सो आर में काफी अच्छा इसका बनता है, मतलब दोनों चीज में. अब नेक्स्ट देखो पेज 24, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स एफ लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी. एक्स एफ यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एफ इज द क्यूम. अब देखो क्या लिखा है, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द एक्सिस इज बेसिकली, इन लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिस मतलब ये, ठीक है, एक्स माइनस 100 को एक्सिस बोल रहे हैं, इसको एक्सिस बोल रहे हैं. अंडरस्टूड? क्या हो गया, अब कौन पार्क करने आया है? मेरे ड्रॉअर में है चाबी. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करते हैं. कल जैसे हम लोग सॉल्व किए थे, आ जाओ एफ यू एक्स. बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेस. और एक्सेस क्या है, एक्स माइनस यू इज द एक्सेस. इसको मार्क कर लेना, दिस इज एक्सेस. अगर तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं. कॉपी में लिख लो, गिवन एक्स इज ग्रेटर देन यू, सो प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस यू लेस देन इक्वल्स एक्स. कर पाएगा ना? एक्स ग्रेटर देन यू गिवन प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन यू, बेसिक ए गिवन बी का. ठीक है, बेसिक ए गिवन बी का. फिर इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, मैं स्टेप स्किप कर रही हूं, बट तुम लोगों को करना है. ये इधर चले जाएगा प्लस यू. ओके, लिखो तुम लोग एक्स लेस देन, लिखा हुआ है मटीरियल में, बट स्टिल खुद से लिखो, खुद से लिखने से याद रहेगा. x less than x plus u, x plus u is something which is given, these are numbers, that is why small u small x, ठीक है ना, and capital x is the random variable.
इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन यू। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन यू एंड लेस देन एक्स माइनस यू, तो समवेयर बिटवीन हियर। सो कैन यू से, मैं प्रोबेबिलिटी साइंस नहीं दे रही हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स प्लस यू माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स वेर वेर एफ, लिखना वेर एफ इज सी डी एफ ऑफ एक्स, इज सी डी एफ ऑफ एक्स। ये किसका सी डी एफ है? एक्सेस का। ये वाला यू गिवन रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल इफ द इंडिविजुअल लॉसेस, अगर यही अगर हम लोग बोले कि x follows exponential, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैमडा एक्स। ठीक है, तो वो इधर सब्सटीट्यूट अगर हम लोग करें इसमें, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैमडा x प्लस u, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस लैमडा ठीक है, कॉमन ले लेंगे e टू द पावर माइनस लैमडा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस e टू द पावर माइनस, विच इज नथिंग बट, सो कैन यू से दैट एफ यू एक्स इज इक्वल टू, दिस इज बिकॉज ऑफ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ये बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस, ये बेसिकली जो है ये आपका किसका सी डी एफ है, थ्रेशोल्ड एक्सीडेंस का बोल दो, एक्सेस का बोल दो, किसी का भी। दिस फॉलोज द एग्जैक्ट सेम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी थ्रेशोल्ड लो, कोई भी यू का वैल्यू लो, 1 मिलियन लो, 10 मिलियन लो, कुछ भी लो, आपका सेम आएगा। हम लोग जब मार्कोव में पॉइजन प्रोसेस करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा ये चीज अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आता है, तब फील आ जाता है पूरा पॉइजन प्रोसेस का। क्लियर है ये? अंडरस्टूड? एनी डाउट? ये वाला क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन, बस इसमें इन्होंने अब फिट करने बोला, जैसे हमने जीपीडी का जीवी कल फिट किया था, पेज 25, विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन अबव यूज द मेथड ऑफ एमएलई बेसिकली टू फिट अ टू फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस व्हेन द अंडरलाइंग क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल एंड थ्रेशोल्ड इज चोजन टू बी 100। तो आपका थ्रेशोल्ड अगर 100 है, मतलब यू का वैल्यू अगर आपका 100 है, तो ये पूरा दिया हुआ है नंबर्स। अब ये नंबर्स यूज करके आपको फिट करना है, कैसे फिट करोगे? लैमडा निकालना है। इज लैमडा गिवन टू यू? दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू फाइंड, पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोगों को बोला गया है इसमें कि एक्स माइनस यू एक्स गिवन, ये यू के जगह बेसिकली 100 है आपका। ठीक है,
हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया, इफ दिस फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा दिस विल ऑल्सो फॉलो एक्सपोनेंशियल, ये हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव किया. नहीं किया होता एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले इसको प्रूव करोगे दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड देन यू विल मूव अहेड विथ फाइंडिंग द लैम्डा. अंडरस्टूड? ट्राई करो, खुद से पूरा सॉल्व करो, मैं सबका चेक करूंगी आगे ये किया है कि नहीं. पहले लाइक्लीहुड निकालेंगे विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट आई गोज फ्रॉम वन से एन. इन्होंने W लिया है, W stands, W is basically X minus U, given X is greater than U, ठीक है? तो इसको इन्होंने W define कर दिया, इसको. क्या होता है PDF? Lambda e to the power minus lambda X, X के जगह W लिखेंगे. n values lambda n हो गया. कुछ नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना. lambda बाहर निकाल सकते हैं. इसका समेशन ऊपर में जितने 14 वैल्यूज है 2, 52, 8 वो जो आया ना पूरा उसका सम ले लो, n विल बी 14 क्योंकि 14 वैल्यूज है x माइनस यू के. सॉल्व करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, पहले लॉग ले लेना फिर डिफरेंस करना है, डबल डिफरेंस भी करना पड़ेगा सिंस ओनली वन पैरामीटर इज देयर. हाँ
हुआ कोई डाउट है इसमें? क्या आ रहा है लैम्डा का वैल्यू? डबल डिफरेंस भी किया ना तुम लोग, लैम्डा क्या आया? ठीक है, अब आ जाओ इसका प्रॉपर थ्योरी में। ये हम लोग ने एक एग्जांपल लेके किया। सो पेज 26, मोर जनरली वी फाइंड दैट फॉर लार्ज, सबका आया पीछे, डबल डिफरेंस करना मत भूलना, वन मार्क नहीं मिलेगा फिर। मोर जनरली वी फाइंड दैट फॉर लार्ज क्लास ऑफ अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस मोर क्लोजली विल रिसेम्बल अ जीपीडी एज द थ्रेशोल्ड यू इंक्रीजेस टूवर्ड्स एक्सएफ। एक्सएफ इज बेसिकली द मैक्सिमम। क्या लिखा था इधर देखो, पीछे जाओ एक्सएफ का डेफिनेशन में। एक्सएफ के लिए लिखा था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, एक एक्स का जो हो सकता है इज सम एक्सएफ, सम अ वेरी हाई वैल्यू ऑब्वियसली बट लेस देन इक्वल्स इंफिनिटी तो नहीं आएगा ना। तो ये बोल रहे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि यू जो है विल टेंड टू एक्सएफ, मतलब उसको बहुत हाई करोगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एक्सीडेंसेस विल बी व्हाट, टेंडिंग टू जीपीडी। सो द जनरलाइज्ड पारेटो, पारेटो में दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अगर तुम लोग टेबल बुक में चेक करो, एक टू पैरामीटर पारेटो होता है और एक थ्री पैरामीटर पारेटो होता है। ठीक है, पेज नंबर देखो टेबल बुक का, क्या है बताओ, है क्या टेबल बुक? अगल बगल में ही है दोनों कंसेक्यूटिव पेजेस में। 15 में कौन सा है? 14, 15 में देखो, 14 में टू पैरामीटर है और पेज 15 में थ्री पैरामीटर है। सो द जीपीडी इज अ टू पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने ये भी लिखो, इसको कॉपी कर लो जीएक्स, कल भी जैसे हम लोगों ने नहीं लिखा था एचएक्स लिखा था कल हमने, यहां हम जीएक्स लिख रहे हैं, वन माइनस वन प्लस एक्स बाय गामा इंटू बीटा माइनस गामा, वे गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इधर आपका खाली दो पैरामीटर है, एक आपका स्केल है और एक आपका शेप है। शेप इज ऑलवेज गामा, स्केल इज बीटा, लोकेशन पैरामीटर नहीं है, खाली टू पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन है। And beta is always greater than negative, नहीं जा सकता। क्यों? अगर negative जाएगा तो क्या होगा? आपका ये negative चला जाएगा, which is not possible. आपका ये भी negative चला जाएगा, which is not possible. So beta is greater than zero. When gamma is equal to zero, this is basically reducing to एक्सपोनेंशियल, जो कल हमने पढ़ा था, व्हेन गामा इज जीरो इट रिड्यूसेस टू स्टैंडर्ड, मतलब अगर आपका अंडरलाइंग एक्सपोनेंशियल है सो इट विल रिड्यूस टू स्टैंडर्डाइज्ड गंबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका, कल हमने क्या पढ़ा था ध्यान से सुनो, सब रिलेट करने की कोशिश करो। कल पढ़ा था इफ एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल, मतलब अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपका गामा अगर जीरो है तो आपका एच एक्स विल बिकम स्टैंडर्ड गंबल, स्टैंडर्ड गंबल। ठीक है, गामा जीरो मतलब गंबल होता है, बट अगर अंडरलाइन एक्सपोनेंशियल है तो वो स्टैंडर्ड गंबल, ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स जो हमने किया था। यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, अगर गामा जीरो है सो इट रिड्यूसेस टू एक्सपोनेंशियल। कैसे?
गामा अगर जीरो है तो ये आपका सीडीएफ है, ठीक है, विच इज बेसिकली द सीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1/बीटा माइनस, नहीं आपका यहाँ पे पैरामीटर 1/बीटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि इट्स अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपका गामा ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपका सीडीएफ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका एलसीएम ले लिया है, विच इज नथिंग बट इसको देखो करके, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, परेटो में दो पैरामीटर है ना, तुम लोग टेबल बुक बंद कर दिया, बट इफ यू सी पेज नंबर 14, उसमें अगर एक पैरामीटर को जीरो कर दोगे तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, सो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ एक्सपोनेंशियल, या फिर बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ परेटो विद गामा इक्वल्स जीरो, देख लो पेज नंबर, एंड आई थिंक पीछे जहां पे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पूरा एरो एरो बनाया हुआ है, उसमें देखना परेटो एंड एक्सपोनेंशियल का क्या लिंकेज है, कौन सा पेज नंबर है देखो, प्लीज एवरीथिंग सीएस टू मी, यू विल हैव टू रिलेट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है, तुम लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताओ अगर ऐसा सिचुएशन है व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन फॉलो, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लेम्स को यूजुअली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, पॉइजन, व्हाट इज अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल, ये बहुत मेरे से पूछा गया था, सो दिस इज अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, सो लैम्डा बीटा पढ़ लिख के अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा, टू दी पार गामा माइनस, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो दिस इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक अ सीडीएफ ऑफ परेटो विद परेटो, अगर आप लोग देखो गामा कॉमा गामा बीटा, एक बार मेरे को टेबल बुक देना, पेज नंबर 20 में आ जाओ, इसमें देखो एक्सपोनेंशियल है, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल से परेटो में अगर हम लोग देखे डायरेक्ट ऐसे जा नहीं रहा, बट फॉर दैट अगर अल्फा आई थिंक जीरो होगा तो वो परेटो हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा शायद, अल्फा जीरो हो नहीं सकता, बट अगर अल्फा जीरो है, हाँ इस केस में हो पाएगा बिकॉज दिस इज सीडीएफ ऑफ सीडीएफ, दिस इज सीडीएफ ऑफ सीडीएफ, इसीलिए जनरल केस में नॉट पॉसिबल, तभी वो एरो उधर नहीं बनाया हुआ है, दिस इज जीएक्स क्या होता है, जीएक्स इज बेसिकली सीडीएफ ऑफ सीडीएफ, इट्स लाइक सीडीएफ ऑफ एफ, है ना, तो इसीलिए क्लियर है, अगर ये जीरो है तो इट्स एक्सपोनेंशियल, नॉट इक्वल टू जीरो है इट्स परेटो, परेटो अल्फा गामा कॉमा गामा बीटा, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो देख लो, कल हम लोगों ने तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जीवी में तीन है, फ्रेशे वेबुल गंबल, यहाँ पे दो ही है, मतलब जीपीडी के खाली दो ही जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो अगर गामा नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो परेटो बनेगा, इक्वल टू जीरो है तो वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, वहां पे आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, क्योंकि वहां पे क्यू तीन पैरामीटर्स थे, यहाँ पे दो ही है पैरामीटर्स, समझ रहे हो, प्रथम मैम पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है गामा ग्रेटर देन जीरो तो इसकी सीडीएफ है, अगर लेस देन होगा तो मेंशन नहीं किया कुछ, गामा क्योंकि हमने देखा था ना कि गामा लेस देन जीरो शायद हम जीपीडी में नहीं लेते, नहीं बीटा नहीं लेते, सॉरी दैट्स नॉट इक्वल टू ओनली, एक्चुअली क्यों बोला मैं बोलूं, क्योंकि अगर तुम देखेगा अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो ये तुम्हारा ऊपर नीचे नहीं होगा तो वो परेटो नहीं बन पाएगा, इसीलिए ग्रेटर देन जीरो लिखा है, ठीक है, एक बार नेक्स्ट पेज में आओ फिर और क्लियर होगा ये चीज, पेज 27 में जो क्वेश्चन है, डिराइव द पीडीएफ ऑफ जीपीडी, तो ये हमारा सीडीएफ है,
स्मॉल जी एक्स निकालेंगे विच इज नथिंग बट डिफरेंस करके. तो कल जो हमने सेम किया था यू वी करके सब्सटीट्यूट किया था, सेम यहाँ पे भी वी ले रहे हैं वन, मतलब इसको पूरे को वी ले रहे हैं, वन प्लस एक्स बाय गामा बीटा, इसको आप वी ले रहे हो, तो आपका जी एक्स बन जाएगा वन माइनस वी टू द पावर माइनस गामा. डी वी बाय डी एक्स किया है, डी जी एक्स बाय डी वी. तो बेसिकली योर स्मॉल जी एक्स इज डी जी एक्स बाय डीएक्स विच इज डीवी इंटू डीवी बाय डीएक्स. वो पूरा सॉल्व किया है, देख लो एक एक स्टेप्स देख लो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, एंड सॉल्व करके आपका फाइनली ये आ रहा है. इसको सॉल्व कर लो खुद से कॉपी में, देखो खुद से होता है कि नहीं, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. अगर अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम लोग वैसे पीडीएफ नहीं निकाल सकते, मतलब हम लोग सीडीएफ नहीं से भी कैसे निकाले एक्सपोनेंशियल और पढ़े तो. निकालें, नहीं हाँ मतलब तुम जो एमएलई करके निकाला वैसे. नहीं, इसके पहले जब भी हम लोग जीएक्स को डिफरेंशिएट करके स्मॉल जीएक्स निकाल रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर जीएक्स का वो निकाल दी सीडीएफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल 1/बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो गलत, तुम्हारा जीएक्स तो सीडीएफ ऑफ वो है ना, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस है ना, दिस इज नॉट द सीडीएफ ऑफ द एक्चुअल अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, सपोज अंडरलाइंग इज तुम्हारा वेबल फॉर एग्जाम्पल, एक्स फॉलोज वेबल है लेट्स सपोज, समझ रहे, तो उसके बाद नहीं, मैंने तुमको. आप मिसअंडरस्टैंड कर दिए क्वेश्चन. मेरा बस ये बोलने का मतलब है कि यार जो सीडीएफ हम लोग का आया है, विच इज सीडीएफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल 1/बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और जब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं ये वाला स्पीडी. नहीं मैम, नीचे जो एक्सपोनेंशियल, हाँ ये ऊपर जो एक्सपोनेंशियल 1/बीटा है और ये और परेटो, हाँ तो ये ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग इसी का तो पीडीएफ निकाले ना. तो हम लोग जब जीरो आ रहा है तो नहीं नहीं वन नहीं बाई नहीं बीटा नहीं 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 गलत बोल रहा है. नहीं, ये तुमको स्टार्टिंग, ये तो हमने दिखाया करके कि वाई वी आर सेइंग कि अगर तुम्हारा गामा जीरो है तो वो एक्सपोनेंशियल है, लाइक इट्स अ जीपीडी ओनली एक्सपोनेंट. जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, फ्रेशर टाइप जीवी, वैसे ये हो गया एक्सपोनेंशियल टाइप टाइप जीपीडी, और ये हो गया परेटो टाइप जीपीडी ऊपर वाला. तो तुम ये नहीं लेके स्टार्ट पॉइंट कर सकते, मतलब तुम बोल रहे हो तुम जीएक्स में अगर बोल दिया है गामा नॉट इक्वल टू जीरो तो तुम परेटो से स्टार्ट करेगा, नहीं तुमको इससे स्टार्ट करना है, विच इज लुकिंग लाइक अ परेटो ओनली, बट तुमको स्टार्टिंग इसी से करना पड़ेगा. ये है क्या क्वेश्चन? नहीं, बट वही था कि बस वो जो यहाँ जो स्मॉल जी एक्स ये लोग निकाला, तो इन लोग का पीडीएफ भी वही था, लैमडा ई टू द पावर माइनस लैमडा एक्स, और यहाँ पर हम लोग का लैमडा 1/बीटा है, तो इन लोग का जी एक्स भी वही आया है हाँ बट तुम वैसे, डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब आया तुम्हारा परेटो ही, बट तुम वैसे कर नहीं सकते सॉल्व, तुमको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर आएगा बट तुम्हारा वो मेथड गलत हो जाएगा, समझ रहे, मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा. हाँ मैम, ठीक है. और ये है भी नहीं, अगर तुम जो लॉजिक से जाएगा, पीडीएफ जो जीएक्स का आ रहा है, दिस इज ये आ रहा है ना, हाँ, तो तुम्हारा सब अदर फॉर्म में आएगा, मतलब आंसर सही आएगा बट वो गलत हो जाएगा तरीका, तुम अंडरलाइन का ही निकाल दिया बेसिकली, वैसा हो जाएगा. या मतलब ठीक है बट वो गलत तरीका है. अब सिमिलरली गामा जब इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए तो इजी है डिफरेंस करना, तो उसमें कोई यू वी लेने का जरूरत नहीं है. हाँ अब डायग्राम में आ जाओ, सेम पेज 28, उसके लिए जी एक्स दिया हुआ था 1 बाय, सो इट्स लुकिंग लाइक अ एक्सपोनेंशियल ओनली राइट, विद पैरामीटर 1/बीटा, एंड दिस इज आल्सो लुकिंग लाइक पारेटो है ना. तो पीडीएफ ऑफ जीपीडी व्हेन गामा इज इक्वल टू 0.5, मतलब गामा
ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो ले रहे हैं एंड बीटा का दो वैल्यूज है, तो बीटा का जितना ज्यादा वैल्यू होगा स्प्रेड उतना ज्यादा होगा, देख रहे थे वो स्प्रेड आउट हो जा रहे हैं, थिक टेल हो जा रहे हैं उसका दोनों केसेस में। और जब इक्वल टू जीरो है तो तुम्हारा इट्स लुकिंग लाइक एन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऐसा ही होता है, और ऊपर वाला इट्स लुकिंग लाइक अ परेटो इफ यू प्लॉट अ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेक। ठीक है, फास्टर डीके तुम अगर देखेगा तो तुम्हारा सेकेंड वाले में आएगा फास्टर डीके, वो जल्दी जीरो के टुवर्ड्स टेन कर रहा है। बट ऊपर वाले में अगर तुम लोग बीटा इक्वल टू टेन का कंपेयर करो दोनों में, दोनों में अगर बीटा इक्वल टेन का कंपेयर करेंगे तो वेन गामा इज इक्वल टू 0.5 तो उसमें देखो कुछ स्लाइट डिस्टेंस दिख रहा है। ऐसा इट्स नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, ऐसा है बीटा इक्वल्स टू 10 का एंड व्हेन योर गामा इज इक्वल टू 0.5 एंड व्हेन गामा इज इक्वल टू 0 तो वो पूरा टच हो जा रहा है, मतलब वो ऐसा हो जा रहा है, पूरा फास्ट डीके है। अंडरस्टूड? इट्स लाइक गंबल, ओनली गंबल में भी फास्ट डीके था जब गामा जीरो था, है ना, कंपेयर करे तो। अंडरस्टूड एनी डाउट? हाँ गजल मैम, ये जो बीटा इक्वल्स टू 100 है दोनों में, वाई गामा इज इक्वल टू 0.5 एंड 0, तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन लेंगे? मतलब ये जो मैंने बोला कि डीके ज्यादा है, तुम एक बार में एक ही चीज का कंपैरिजन कर सकती हो। अगर तुम ऐसे कंपेयर करोगी बीटा इक्वल्स 100 है ना, एंड यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू, यू हैव टू कीप वन एज सेम एंड देन यू कैन कंपेयर। सो यू कैन कंपेयर दिस एंड इफ यू आर कंपेयरिंग दिस, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां बीटा ये वाला जो है इसमें फास्ट डीके है 0.0 वाला सेकेंड डायग्राम पूरा बनाया हुआ नहीं एक्चुअली, बट इफ यू एक्सटेंड एंड चेक आर में करेंगे फास्टर डीके होगा। ठीक है, सो गामा से पता चलता है कि डीके कितना होगा जल्दी। नेक्स्ट आ जाओ मेजर्स ऑफ टेल वेट, इसका काफी कॉमन आर में आता है क्वेश्चंस एंड पेपर ए में भी यू कैन एक्सपेक्ट। अभी तक जो जीपीडी एंड जीईवी करा दैट वाज वन पार्ट ऑफ ईवीटी, अब ये है मेजर्स ऑफ टेल वेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग को टेल का वेट हमेशा, हम लोग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट। ईवीटी पूरा चैप्टर ही इज अबाउट एक्सट्रीम वैल्यूज, तो उसका वेट हम लोग को देखना है कि कितना वेटेज आप दे रहे हो उसमें। ठीक है, सिंस नाउ यू ऑल हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर मॉडलिंग द टेल वैल्यूज जीवी एंड जीपीडी, नाउ यू नीड टू मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर फोर डिफरेंट मेथड्स, एक्सिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स, लिमिटिंग डेंसिटी रेशियोज, हजार्ड रेट एंड मीन रेसिडुअल लाइफ, ये तीन और चार तरीके होते हैं। देर आर ऊपर से पेज 29, देर आर अ नंबर ऑफ मेजर्स वी कैन यूज टू क्वांटिफाई द टेल वेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। टेल वेट को क्वांटिफाई करने का डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एक्सपोनेंशियल नॉर्मल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मे बी सुटेबल फॉर द बेसलाइन फॉर कंपैरिजन। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स सुन के पहला क्या लग रहा है कि मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? जैसे अभी वो क्वेश्चन पूछा कि फाइनाइट, जो तुम पूछा था ना फाइनाइट मोमेंट्स वाला, अगर हम बोले M3 M4 हायर मोमेंट्स इज फाइनाइट, मतलब कि तेल बहुत हैवी है, तुम स्क्यूनेस बहुत हाई बोल दिया, तुम वेरियंस बहुत हाई बोल दिया, मतलब तेल बहुत लंबा है, हैवी तेल है, तो वेट ऑब्वियसली हायर है। एक जगह बोल रहे हैं M1 M2 एग्जिस्ट करता है, M3 M4 एग्जिस्ट करता है, सो ऑब्वियसली वो लाइटर टेल है। तो यहाँ जब हम लोग मेजर्स ऑफ टेल वेट का बात करेंगे, वी आर एक्चुअली ऑलवेज कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि तुम एक डिस्ट्रीब्यूशन लेके बोलोगे तो उससे कोई मीनिंग नहीं बनेगा। मेरे पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा है, मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे, जिस जो बेटर फिट हुआ, जिसका मे बी हम लोग को टेल वेट ज्यादा चाहिए उस हिसाब से।
सो रिकॉल द केथ मोमेंट. केथ मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? केथ मोमेंट होता क्या है? केथ मोमेंट ऑफ अ कंटेनर्स पॉजिटिवली, कंटेनर्स लेना है क्योंकि क्लेम अमाउंट्स है, पॉजिटिव लेना है क्योंकि क्लेम अमाउंट्स है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है. सो इट विल बी जीरो से इंफिनिटी, इफ इट गोज अप टिल इंफिनिटी dx, this is nothing but this. Clear? K is a constant. 2 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिखोगे तो mean निकलेगा, 2 निकलोगे लिखोगे तो m2 निकलेगा. Not variance but second moment. ठीक है. For example, for the gamma distribution इन्होंने fx दिया हुआ है. So अब इन्होंने derive करने बोला है, derive the formula for एक्सपेक्टेड के टू दी एक्स टू दी पावर के वेन एक्स फॉलोस गामा. ये सॉल्व करो, ये बहुत बेसिक तुम लोगों ने सीएस वन में किया होगा सॉल्व, गामा फंक्शन यूज करके. इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, तो पुट इन करना है गामा का वैल्यूज एक्स का इंफिनिटी तक जाते हैं बेसिकली. एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस के माइनस वन हो जाएगा, which is nothing but gamma k plus alpha comma lambda का distribution. तो उसका PDF बनाने के लिए क्या क्या common लेना होगा, ये होगा ना तुम लोग ये, तो ये पूरा जो हो जाएगा if you check will be the, ये पूरा नहीं but let's suppose zero. मैम वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ ये तो बाहर ले लो एक बार, इधर आएगा तुम्हारा एनीवन जिसको नहीं याद है ये प्लीज लेट मी नो. एक्स लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा एंड लैम्डा अल्फा प्लस के. याद आया? दिस इज द पीडीएफ ऑफ, प्लीज सॉल्व करो पूरा, मेरे खाली सॉल्व करने से तुम लोग के देखने से कुछ नहीं होगा. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा? ये बच रहे पेज नंबर 12 में गिवन था ये गामा के डिस्ट्रीब्यूशन में. कैन के टेक कंटिन्यूस वैल्यू? नॉट पॉसिबल बिकॉज मोमेंट है. इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो. मैम वो आपने कॉमन बाहर निकाला तो लैम्डा रेस टू अल्फा मेरे हिसाब से नहीं आएगा कॉमन. क्या बोल? मैम वो लैम्डा रेस टू अल्फा आपने बाहर निकाला, वो एक्चुअली अंदर प्लस के हो चुका है तो वो बाहर कैसे आया? एक ही बात है ना, मैंने ये डिवाइड भी कर दिया है, देखो मैंने ये डिवाइड भी तो किया है, बचा यही है तुम्हारा. बट एक बात है कि मैंने अभी रिसेंटली दो तीन जनों को, जिन लोगों को डांट लगाया, उन लोग सब आ रहे हैं क्लास में. कब तक आएंगे वो देखना पड़ेगा. जैसे प्रथम डांट खाया मेरे से तो वो आ रहे क्लास में. और एक कौन डांट खाया था मेरे से उस दिन? तीर्थ. तीर्थ एंड प्रथम दोनों अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हैं. सॉरी मुंबई, तीर्थ इस पर मुंबई. हाँ गजल बोलो. मैम अभी आपने बोला था ना कि kth मोमेंट जितने भी एग्जिस्ट करेंगे लाइटर टेल होगा,
वो अभी आएंगे उसपे, रुक जाओ आगे नहीं बढ़ो, आएंगे उसपे, वो मैंने एग्जाम्पल देखी इसीलिए रोक दिया। तीर तुम्हारा कुछ मिस हुआ क्या स्टार्टिंग का? मैं भूल गई एक्चुअली तुम्हारा जो कल मैसेज आया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार वीडियो, कोई वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं, रीड कर लेना। इधर तो लोग आते ही लेट हैं। तुम लोग मेट्रो में ट्रैफिक क्यों? और तुम लोग हावड़ा से आते हैं क्या? क्यों? तुम लोग का बन गया ना वो अंदर से मेट्रो जो बना है, क्यों खुल गया? उसका तो आया भी था वीडियोस ओपनिंग का, नहीं वीडियो भी आया था क्यों? वो लोकल पब्लिक के लिए नहीं खुला है क्या? और अच्छा वीडियो आया उसका ओपनिंग का, उन लोग गए हैं ट्यूब में। नहीं, वो एडिटेड नहीं था। हाँ, चालू होने के बाद भी मत बैठ जाना भाई, मेरे को तो ट्रस्ट थोड़ा कम ही है। हाँ क्यों, किसके नीचे बने? न्यू ब्रिज के नीचे, मतलब न्यू ब्रिज हावड़ा मैदान की उधर से क्या? अच्छा तुम लोग बेसिकली कैलकटा से नहीं आते, तुम लोग कैलकटा के उधर से आते हैं, तुम लोग कैलकटा में इंक्लूडेड नहीं है। डन यहाँ तक, नेक्स्ट आ जाओ। वो ही सेम क्वेश्चन ये पूछिए मेरे से, करेंगे उसमें आएंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ। हाउएवर फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशंस द वैल्यू ऑफ द केथ मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू ऑफ के। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम लोग देखेंगे M1, M2, M3, डॉट डॉट डॉट, M10 तक एग्जिस्ट करे, बट देन M11, M12, ऑल दीज डज नॉट एग्जिस्ट ओनली। ठीक है, सो फॉर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इन्होंने बोला है कि FX मतलब के एग्जिस्ट वेर के इज लेस देन अल्फा, मतलब अगर तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल अल्फा 3 है तो तुम खाली x^1 2 निकाल सकते हैं, उसके आगे तुम नहीं निकाल सकते। के शुड बी लेस देन अल्फा, हाँ 1 और 2 निकाल सकते हैं। तो अगर टेबल बुक खोलोगे, टेबल बुक में परेटो में जाओ, अगर तुम्हारे पास टेबल बुक है तो उसमें देखना नीचे बनाया हुआ है, ये लो एक्सपेक्टेशन ऑफ, जिसका टेबल बुक है उसको तो दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स निकाला हुआ है, उसके आगे इट्स गिवन दैट के शुड बी लेस देन अल्फा। तो अगर अल्फा 3 है तो तुम लोग खाली ये निकाल सकते हो, तुम लोग आगे का नहीं निकाल सकते। सो फॉर द डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो यही चीज लिखा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है वो थिक टेल। थिक टेल क्यों बोलेंगे? अगर हम लोग हाई मोमेंट्स बोलेंगे कि हाई मोमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इट्स इनफाइनाइट, तो तुम क्या बोलना चाह रहे कि तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ये है, लेट्स सपोज जिसका तुम्हारा M3 तक एग्जिस्ट करता है, एक है जिसका तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा M5 तक एग्जिस्ट कर रहा है, एक है तुम्हारा बोलेंगे M2 तक ही एग्जिस्ट करता है, तो वो तुम्हारा थिक टेल हो जाएगा। क्यों? हाई मोमेंट्स का क्या वैल्यू, क्या मतलब है? तुम इधर हाई वैल्यूज पुट इन कर रहे ना, वो तुम्हारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी, इसका एक्सपेक्टेशन, तो मतलब कि उसका वेटेज ज्यादा आ गया ना। अगर तुम बोलते वेरियंस ज्यादा है किसी का, एक हो गया 10,10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया 10,20 जो भी मैंने ऊपर दिखाया, इन दोनों को सिंपली आर प्रोग्रामिंग में प्लॉट करो, तो ये तुम्हारा 10,20 वाला हो जाएगा और ये तुम्हारा 10,10 वाला हो जाएगा। तो जितना ज्यादा होगा मोमेंट उतना ज्यादा थिक टेल होगा ना, स्प्रेड विल इंक्रीज, एवरीथिंग स्केल शेप एवरीथिंग इंक्रीजेस, सो हायर द मोमेंट हायर विल बी योर, हेवियर विल बी द टेल। सो कंपेयर टू डिफरेंट परेटोज, एक लेट्स सपोज हम लोग क्या बोलते हैं परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा, तो बोलते हो एक 5,5 एंड एक कंपेयर करो 5,5, तो ये सेम है, बट 3,5 तो ये वाला का
टेल थिक होगा कि लाइट होगा, क्या लिखा है? सो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन विद अ लो वैल्यू ऑफ अल्फा विल हैव अ थिकर. क्यों? इसका क्यों थिक है? क्योंकि इसमें तुम्हारा एम थ्री के बाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इनफाइनाइट चला जा रहा है. सो दिस विल बी थिकर टेल्ड. इसको रीड करो एक बार पेज 30 में नीचे जो हाउएवर के बाद लिखा है और समझो, क्योंकि ये एक तरीका है करने का. हाँ तो इसीलिए तो वो ज्यादा हो जाएगा ना, तुम्हारा हायर मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. एम थ्री एम फोर नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इनफाइनाइट है. नहीं क्या बोल रहे तुम, ऐसे कब बोला तुम, उल्टा समझा. नहीं हाँ तुम लोग टेबल बुक लेके बैठो, उसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है परेटो का एक्सपेक्टेशन एक्स आर, आर में थ्री लो अल्फा में टू लो तो देखो क्या आएगा आंसर. क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल्स थ्री, ये हो गया एक्स लेस देन इक्वल्स फाइव, इसके बाद ही वो एग्जिस्ट नहीं करता है. माने एम थ्री एम फोर एम फाइव इनफाइनाइट चला जा रहा है, और ये तुम्हारा एम फोर तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो इनफाइनाइट जा रहा है. तो ये तो पहले ही तुम्हारा इनफाइनाइट चला गया ना, तो ये थिक टेल होगा. इसका वेरियंस बहुत हाई है, इसका स्क्यूनेस बहुत हाई है. ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉर्मल में अगर ये ज्यादा है मतलब वेरियंस ज्यादा है. वेरियंस ज्यादा मतलब सेकेंड मोमेंट ज्यादा रहेगा तभी वेरियंस ज्यादा आएगा. सेकेंड मोमेंट ज्यादा है ना, तो M1 M1 सेम है, M2 इसका कम है और इसका M2 ज्यादा है. ये जो चारों टॉपिक्स पढ़ेंगे अभी, उसमें आपका स्टैट्स अगर नहीं क्लियर है तो ये सब नहीं क्लियर होगा, इसलिए देख देख के करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं. ये सबसे आएगा 2 मार्क का ही क्वेश्चन या 5 मार्क का ज्यादा से ज्यादा, बट ये आ जाएगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको ज्यादा बोलना है, इसको ज्यादा थिक टेल बोलना है कि इसको थिक टेल बोलना है, ये कंफ्यूजन हो जाता है. आर में दिखता है क्लियरली डायग्राम, पेपर ए में नहीं दिखता है. सो मोर द वैल्यू ऑफ के, करेक्ट, मतलब सी मोर द वैल्यू ऑफ, ये लाइन गलत है तुम्हारा बोलना. इसमें ऐसे बोलोगे बोलोगे कि अगर के का ज्यादा मोमेंट्स अगर ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और एक में मोमेंट्स एग्जिस्ट कम करते हैं, मतलब वो इनफाइनाइट टेंड हो जा रहे हैं, तो ये वाला थिक टेल हुआ. ठीक है, कंप्लीट करना पड़ेगा सेंटेंस. डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन. खाली ऐसे एक एक चीज नहीं बोल सकते. अभी मैं बोल दूंगी कि के का वैल्यू कम होगा तो तुम बोलेगा बेटर. नहीं, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन पे. तुम के को, के का वैल्यू कम किस सेंस में बोल रहे हैं? तुम खाली परेटो कंसिडर कर रहे हैं इधर. हाँ, किस हिसाब से के का वैल्यू कम होगा? ऐसे नहीं बोलो, अगर लेस मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो थिक टेल्ड है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो. हाँ बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज क्या होता है ना एग्जाम में, व्हेन यू सी अ वैल्यू ऑफ के, तुम कंपेयर करके तुम कुछ भी बना देगा उसमें उस समय. सो यू नीड टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि के का वैल्यू कम तुम किस सेंस में बोल रहे हैं. इसीलिए मैं तुमसे बार बार क्रॉस चेक कर रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चन कैसा अजीब सा आता है, एकदम थियोरेटिकल आते क्वेश्चन पूरा. तुम लोग को ये सब से न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे, सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली नए चैप्टर से. इवन आजकल तो हर चैप्टर से दे आर गिविंग थियोरेटिकल. सो नेक्स्ट पेज क्लियर है. ये था तुम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स. ठीक है, सेकेंड आ जाओ, लिमिटिंग डेंसिटी रेशियो. डेंसिटी का क्या मतलब है? पीडीएफ. ठीक है, तो
वी कंपेयर द थिकनेस ऑफ द टेल ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैलकुलेटिंग द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द डेंसिटी फंक्शन एट फार एंड ऑफ द अपर टेल. व्हाई आर वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अपर टेल? बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द क्लेम अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंपेयर द परेटो विद अल्फा 2 एंड अल्फा 3, बिना देखे अगर एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स का बात करें तो किसका थिकर टेल होगा? अल्फा इक्वल्स टू 2 का, क्योंकि लेस मोमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, बोथ विद द सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो इसमें इन लोग क्या, ये प्लीज कॉपी करो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है? x हाई वैल्यूज ऑफ x. पीडीएफ को डिवाइड कर रहे हैं दोनों का, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. अब तुम लोग बोलोगे मैम 2 को ऊपर क्यों लिए, 3 को ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स आंसर आएगा. क्या होता है पीडीएफ ऑफ परेटो? अल्फा लैम्डा टू दी पार अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स टू दी पार अल्फा प्लस 1. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर देती हूँ. चलो प्लीज ओपन योर टेबल बुक एंड उसी से समझ आएगा, वरना ये अल्फा क्यों लिखते हैं, इसको टू लिखते हैं. क्या क्या बाहर निकल जाएगा जिसमें भी एक्स नहीं है, वो लिमिट के बाहर. तो यही बचेगा ना. अब अगर x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस एंटायर थिंग इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है? तो एक बात समझ लो, सुन लो पहले, फिर कंप्लीट करना. इस पीडीएफ को डिवाइड किया इससे और आंसर आ रहा है इंफिनिटी का, मतलब आपका ये ऊपर वाला साइड हैवियर है. अगर ये तुम लोग उल्टा करो एक बार, तुम लोग 3 वाला ऊपर लो और 2 वाला नीचे लो, तो क्या आएगा एक बार करके बताना, कोई क्लेबा करके बताओ क्या आएगा. 1 बाय इन्फिनिटी आएगा ना, 1 बाय इन्फिनिटी मतलब ये वाला चीज 1 बाय होके आएगा, तो क्या हो जाएगा? 0. 0 का मतलब है कि तुम्हारा नीचे वाला हैवियर है. सो लिख लो अपने वर्ड्स में, लिखना पहले सुन लो, अपने वर्ड्स में लिखना. अगर तुम लोग जब लिमिटिंग डेंसिटी रेशियो निकालते हो एंड आंसर इज इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर इज हैवी टेल्ड, नहीं तो अगर 0 आता है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर इज हैवी टेल्ड. उसको अपने वर्ड्स में प्लीज लिख लो. कल सब लोग लैपटॉप लेके आएंगे, कल हम लोग ईवीटी का पेपर भी करेंगे, परसों एंड देन सैटरडे. कल थर्सडे है ना, होगा क्लास. क्या दिक्कत है तुमको? मैम मैम अगर एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट से देखें तो नहीं नहीं नहीं, क्यों 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 देखना एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट से? उससे भी तो मैंने बोल दिया ना अल्फा 2. एक मेजरमेंट जब करो प्लीज डोंट कंपेयर दी अदर मेजरमेंट एज वेल. ठीक है, हो इस केस में आंसर सेम आ रहा है आपका, बट हो सकता है कहीं ना कहीं फॉर सम एक्सट्रीम सिचुएशन आंसर अलग आए, बट यूजली आंसर सेम आना चाहिए. हो सकता है अलग है, पहले तो ये मैं तुम लोग को क्लियर कर देती हूँ. अब पूछो तुम क्या पूछ रहे हो मैम. बट जब अपने रेसिप्रोकल मतलब अल्फा इक्वल्स टू 3 ऊपर ले रहे हैं तब तो नहीं आ रहा सेम. क्यों नहीं आ रहा? तो तुम्हारा 0 आएगा ना आंसर. हाँ, लेकिन वो 0 आने का मतलब है डिनोमिनेटर हैवी टेल्ड है. एक ही तो आंसर आया, बट एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट से तो नहीं आ रहा ना. एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट्स में तुम रेशियो कहाँ लेती हो? मैं वो देखते हैं ना अल्फा, अगर
मतलब स्पेशली पेरेटो के लिए, अगर के वाला जो अभी किया था तो वो इधर में कैसे अप्लाई होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से? उधर तो तुम खाली अल्फा का वैल्यू चेक करती हो, लोअर पेज नंबर 30 में जो लिखा हुआ है, लोअर द वैल्यू ऑफ अल्फा हेवियर विल बी द टेल, क्योंकि के लेस देन अल्फा करते अपने, तो अगर अल्फा 2 है मतलब M1 तक एग्जिस्ट करते हैं, M2 नहीं एग्जिस्ट करते, और अगर अल्फा 3 है तो M1 M2 एग्जिस्ट करता है, तो अल्फा 2 वाला तुम्हारा थिक टेल हो गया। तुम उधर कहाँ आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या बोल रही हो? यस, लेकिन अगर हम मतलब दो ले रहे हैं ना, अगर अल्फा इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं और एक अल्फा इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, तो वैसे देखें मतलब न्यूमरेटर वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट ना लगाएं तो। नहीं समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो बोलो। तुम लोग बाकी सब ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसको कंपेयर करो, सेम इधर पूरा निकालो, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एफओए का, वेरी कॉमन क्वेश्चन बोथ इन पेपर ए एंड बी, निकालो इसको। हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो। मतलब इसमें जो लिमिटिंग डेंसिटी रेशियो और ये वाला जो एग्जिस्टेंस और मोमेंट अपने तुम इनको दोनों को मिला के कैसे निकालोगी? हाउ केन यू मिक्स द टू इक्वेशन, टू मेजरमेंट्स? ओके मतलब मिक्स नहीं कर सकते, यही क्यों कैसे डाउट कर सकते हो आप मिक्स? था। अगर हम दो ले रहे हैं, एक अल्फा इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं और एक अल्फा इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट है, तो यही इंटरप्रिटेशन लग रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू 2 वाला उसकी थिकर टेल होगी, और अगर हम लिमिटिंग डेंसिटी रेशियो ले रहे हैं और अल्फा इक्वल्स टू 3 ऊपर रख रहे हैं और अल्फा इक्वल्स टू 2 मतलब नीचे रख रहे हैं, तो तो जीरो हमने आएगा जीरो। आंसर, विच अगेन हाँ प्रूव्स दैट अल्फा टू वाला तुम्हारा हेवी टेल्ड है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि अल्फा 3 वाला है, सॉरी। नहीं, कहाँ लिखा है, इसीलिए मैं बोला क्लियरली लिखो अल्फा इक्वल्स टू इज हेवी टेल्ड। मतलब आपको कैसे पूरा एक्सप्लेन करना है कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा टू इज हेवी टेल कंपेयर टू परेटो विद अल्फा इक्वल्स टू 3। पेज नंबर 31 में भी लिखा है दिस कंफर्म्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा टू हैज अ थिकर टेल। ओके मैम, इधर देख के जैसे भी तुम लोग को जिसको भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेना है उसको लो, उसका पीडीएफ बनाओ, उसको जब तुम लोग पूरा, मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ खाली, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। सी इज अ कॉन्स्टेंट एक्स टू द पावर, क्योंकि खाली एक्स का टर्म्स रखना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। इसको बताओ, ये मैंने किया, आंसर आ रहा है जब गामा ऊपर है परेटो नीचे है। थोड़ी बार माइनस है उसको देखो। हाँ, ऊपर जा रहा है,
एक बार देखो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का बहुत हाई वैल्यू, तो ये पूरा चीज विल टेंड टू जीरो इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ हो गया ना, तो जीरो हो गया ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये -5 है कि 5 है, तो अगेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब, अच्छा एक ही पार्ट जीरो हो गया तो सभी जीरो हो जाएगा ना, ये वाला इन्फिनिटी है और ये वाला x है क्या इधर कहीं, ये मल्टीप्लाइड बाय x है, तो x अगेन ये इन्फिनिटी, तो जरूरी नहीं है जीरो एक बार आ गया तो मतलब जीरो इंटू इन्फिनिटी, एनीथिंग इंटू जीरो इज जीरो, तो ये पूरा तुम्हारा आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला हैवी टेल्ड है, मतलब डिनोमिनेटर इधर परेटो लिया हमने, एंड दोनों का मेन वेरियंस अगर देखेंगे सेम है, गामा का और परेटो का, इसमें इस केस में मेन वेरियंस सेम आया है, बट स्टिल मे बी हाई मोमेंट्स परेटो के यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे आफ्टर 3, M3 के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, बट चलो नॉट, आई एम नॉट ऑलवेज ट्राइंग टू कंपेयर द टू मेजरमेंट्स, स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि परेटो इज हैवी टेल्ड। अब यहां तुम लोग अगर मेथड ऑफ मोमेंट्स लगाते तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता, होता ना, टू कंपेयर टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, खाली परेटो परेटो हो या खाली गामा गामा हो उसको कंपेयर कर सकते हैं, बट टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयरिंग यूजिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, क्लियर सबको, आंसर आ रहा है सबका, गजल क्लियर है अभी कॉन्सेप्ट? यस मैम। इसका हम लोग आर में पूरा प्लॉट करेंगे, डेंसिटीज, डेंसिटी निकालेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड देन दोनों का रेशियो प्लॉट करेंगे। क्या हुआ? क्या इंटू जीरो हो गया भाई, इन्फिनिटी इन बाय इन्फिनिटी भी गया, क्यों हर बार जीरो होते, कहाँ इंटू जीरो हो जाते हैं, यहाँ तीन टर्म है, उधर दो टर्म होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उधर जीरो कुछ नहीं होता है। कल पढ़ना दोबारा से, नींद में तुम क्योंकि वो आ रहा है इधर जीरो, तुम ये दोनों टर्म को फिर कैसे करेगा, फिर तो तुम पूरा सिंप्लीफाई करके करो, इधर नहीं लग सकता वो, इधर तीन टर्म है उधर दो टर्म होता है ऊपर नीचे, ठीक है आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हजार्ड रेट, ये और ट्रिकियर हो जाता है। हाँ जिन्होंने सर्वाइवल कर लिया उनको थोड़ा ऐसे कुछ इजी होगा नहीं उनके लिए भी, पर ठीक है। हाँ कौन बुलाया? हजार्ड रेट इज द डिस्ट्रीब्यू, हजार्ड रेट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन विद डेंसिटी एफ एक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एफ एक्स इज डिफाइंड एज, लिख लो इसको, ये तुम लोग प्रूफ किया था याद है चैप्टर 6 में, क्या था क्या जिसमें भी 6 to 8 के बीच में किसी में हमने प्रूफ किया, ये बेसिकली इसको हम लोग अब क्लेम अमाउंट ही मॉडल करें, बट यू कैन कंपेयर दिस, ध्यान से सुनना दोज हू हैवन डन सर्वाइवल येट, we can compare this with the mortality rate, ठीक है,
सो लेट्स सपोज एक्स इज द एज, ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ नहीं है, यू आर कंपेयरिंग. एक्स इज द एज एंड म्यू एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग एच एक्स भी बोल सकते हैं. तो दिस इज द मोर्टैलिटी रेट, दिस इज योर एज एंड दिस इज द मोर्टैलिटी एट एज एक्स. ध्यान से सुनना, इफ आई से फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्स मोर्टैलिटी अगर एक का हाई है और एक का लो है, लेट्स सपोज एज ले लो 70, दो केसेस है ए एंड बी. बी वाले केस में मोर्टैलिटी हाई है, इस वाले केस में लो है, तो इसका क्या मतलब है, मरने का चांसेस एट एज 70 ज्यादा है, तो उस केस में लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स कम होगा, हाई वैल्यूज ऑफ एज एक्स मतलब वो 72 का होगा 73 का होगा विल बी लेस, एंड अगर वो लेस है मतलब उसका लाइट टेल है. वेन यू प्लॉट एज ऑन एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे यू प्लॉट द प्रोबेबिलिटी, तो बी का विल बी लोअर और ए का विल बी समवॉट हायर. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एज उसका होने का चांसेस कम है, ज्यादा हाई एज होने का चांस उसका, ये बना लो, ये अभी देख के इजी लग रहा है बट बाद में जब हम लोग इसको हजार रेट में अप्लाई करते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है. तो हजार रेट अगर ज्यादा है इट विल बी अ लाइटर टेल. थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था, एक बार हजार रेट क्या होता है बता देंगे. हजार रेट इज बेसिकली द रेट ऑफ डेथ, डाइंग, प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ डेथ. तुम CM1 पढ़ा है ना? हाँ मैम. उसमें पढ़ा होगा ना μx, वही है HX. अच्छा ठीक है, HX वही है, μx ही है समझो, ठीक है, इसलिए मैंने μx इक्वल्स HX लिखा इधर. ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना दैट μx इक्वल्स, हमने जो लिखा है μx इक्वल्स लिमिट h टेंस टू जीरो 1/h, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो देयर इन चैप्टर 6, तो जब करोगे तब क्लियर होगा. तो ये दिस पार्ट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. इफ द फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इंक्रीजेस एज द पर्सन्स एज इंक्रीजेस रिलेटिवली फ्यू पीपल विल लिव फॉर द ओल्ड एज एंड देयरफॉर लाइटर टेल. If on the other hand force of mortality decreases as the person age increases, there is a potential that the person will live for a longer period. अब तुम लोग बोलोगे ऐसा होता नहीं है कि mortality कम होता है, but to some extent after certain point दिखते हैं कि 26 के बाद mortality rate थोड़ा कम होना start हो जाते हैं, वो peak आते हैं and then it starts to fall. Peak is maybe accidental deaths या जो भी उसको बोलते हैं, and then it goes down and then again starts to increase. तो वो down जितना लोगों का ज्यादा है, and depending जैसे तुम लोग जापान एंड इंडिया का कंपेयर करो, सो एक्स इक्वल टू 70 है दोनों में, मोर्टैलिटी रेट फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया विल बी हायर देन दैट ऑफ जापान. तो वहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे हैवी टेल, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे लाइटर टेल, ठीक है. एग्जाम्पल है देखो, परेटो का लिया है एंड एक्सपोनेंशियल का लिया है, तो दोनों का हजार रेट, मत पेज मत घुमाओ, दोनों का हजार रेट निकालो, एक्सपोनेंशियल पुट इन करना है इसमें खाली, क्या होता है ई टू दी पावर लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स, ये आ रहे क्या? और परेटो का मैं कर नहीं रही हूं बट सॉल्व करके मेरे को बताओ.
मजाक उड़ाना बंद करो। इतना तुम्हारा अप्रिसिएशन किसी को नहीं चाहिए। इतना जोर जोर से बोलते हैं, मैं पूरा रिकॉर्डिंग खराब करते हैं तुम तो। ये तो जाने दो, अरे तुम यहां बैठेगा अब से। सच में मतलब जो रिकॉर्डिंग दिखता होगा वो भी सोचता होगा फिर पूरा। ऐ तुम अंदर बैठ जाओ, उसको बाहर बिठाना। क्लियर, आई वॉन्ट सबका ओके एक बार चैट बॉक्स में। इसका क्या आया, अल्फा बाय। अब तुम लोग को हाई वैल्यूज के लिए चेक करना है कि क्या होगा। कैमरा कोई ऑन ही नहीं करता, मतलब इतना खराब लगता है ना मेरे को। बिना फेस के ऐसे मेरे को लग रहा है कौन बैठा है पीछे, पता नहीं गजल बैठी है कि कोई और बैठा है। मैं बैठी हूँ। कम से कम तुम लोग एक फोटो लगा सकते हो अपना, ऐसे डी के जे आई एस दिखने से बेटर है। जैसे देखो प्रथम कितना अच्छा सा आइकन लगाया है, किसी वुल्फ का लगाया लगता है। अब नेक्स्ट इसको कैसे बताएंगे कि कौन सा ज्यादा ठीक टेल है, किसका एच एक्स ज्यादा है। एक में है लैम्डा, एक में है अल्फा बाय बाय लैम्डा एक्स। तो इधर क्योंकि यू आर गेटिंग अ एक्स, अगेन इधर में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो द एक्सपोनेंशियल हजार्ड रेट इज कांस्टेंट, व्हिच इज ऑब्वियस, हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर आपका याद है पूरा, तुम लोगों ने नहीं किया होगा, चैप्टर 6 या 8 में हम लोगों ने पूरा एक्सपोनेंशियल हजार्ड रेट पढ़ा था, जहां डिराइव किया था। तो अगर आपका एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल, तो आपका हजार्ड रेट ऑब्वियसली कांस्टेंट है ना, विथ लैम्डा पैरामीटर। तो यहाँ पे भी हम वही मीन करें कि इट्स कांस्टेंट, विच डेमोन्स्ट्रेट द मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। जहां पे परेटो का हमारा ऐसा आ रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे वी विल चेक फॉर वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एक्स। सो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एच एक्स आपका क्या टेंड कर रहा है, इज इट टेंडिंग टू जीरो और इज इट टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे अल्फा बाय मतलब एच एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स होगा ये अल्फा बाय लैम्डा प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा, बाय इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा। जीरो टेंड होने का क्या मतलब है कि इसका हजार्ड रेट कम है, जीरो टेंड कर रहा है एज एक्स इंक्रीजेस, और इसका तुम्हारा एक्स इंक्रीजेस इट विल बी लैम्डा ओनली। स्ट्रेट लाइन है बनेगा एकदम। तो इसका स्ट्रेट लाइन है, इसका हजार्ड डिक्रीज हो रहा है। अब देखना दो चीज होता है आर में कैसे कंफ्यूज करते हैं वो तुम लोगों को। एक बोलेंगे प्लॉट एच एक्स, ठीक है, इधर एक्स प्लॉट करेंगे इधर एच एक्स। तो ध्यान से सुनना, आई थिंक इधर होगा, हाँ इधर है भी, बट अगर आपका एच एक्स इसमें आपका कांस्टेंट है लैम्डा और इसमें आपका नीचे टेंड हो रहा है ऐसे टुवर्ड जीरो, दिस इज फॉर परेटो, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा डायग्राम ऐसे है, हड़बड़ में क्या होता है सीन स्टूडेंट्स कि वो बोल देंगे परेटो इज लाइट टेल क्योंकि वो नीचे टेंड हो रहा है, बट आपने प्लॉट क्या किया है,
एच एक्स प्लॉट किया है, आपने एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नहीं प्लॉट किया है। ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है ऑफ स्टूडेंट्स। आर में बोलेगा प्लॉट एच एक्स, तीन चार डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया एंड कंक्लूड विच विल हैव अ हेवियर टेल। क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? एक्सपोनेंशियल विल हैव अ हेवियर टेल, क्योंकि इसका टेल हैवी दिख रहा है इससे। बट एक्चुअली ये नहीं ध्यान दे रहे कि एच एक्स प्लॉट किया था हमने। सो इसी को जब आप लोग एक्स का प्लॉट करोगे, एक्स मतलब क्या, मतलब आप सिंपल एक्सपोनेंशियल और परेटो प्लॉट कर रहे हो एफ एक्स, है ना, सिंपल एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल परेटो प्लॉट कर रहे हो। तो आप लोग देखोगे अगर ये आपका एक्सपोनेंशियल है तो परेटो आपका ऊपर से ऐसे जा रहा है, दिस इज परेटो, दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड परेटो इज हैज अ हैवी टेल। तो एच एक्स में जिसका भी लाइट हो जाता है इधर जाके, ये तो जीरो ही हो गया, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब वो हैवियर टेल होगा। क्लियर है? ये लिख लो, वेरी 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 कॉमन मिस्टेक। अभी मैंने बोल दिया तो भी आई विल सी स्टूडेंट्स मेकिंग दिस मिस्टेक। प्लीज राइट इट डाउन बुलेट्स में अच्छे से एकदम, कि ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। ये बना लो, ये सब लिख लो कॉपी में, स्टार मार्क दे देना साइड में। क्या बोल रहे हैं? सो दिस मीन्स फॉर एनी परेटो डिस्ट्रीब्यूशन द हजार्ड रेट विल बी, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल, अरे वो क्वेश्चन में नीचे में, दिस इज पेज 33, दिस इज ट्रू फॉर ऑल परेटो। क्यों? क्योंकि परेटो का एच एक्स तो यही आएगा और उसको आप लिमिट लोगे तो जीरो ही आएगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल परेटो, अंडरस्टूड? वही लिखा है, द हजार रेट विल इवेंचुअली बी बिलो द कॉन्स्टेंट रेट, देयरफॉर ऑल परेटो डिस्ट्रीब्यूशंस विल ऑलवेज, ये हम लोगों ने जिन्होंने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर किया हम लोगों ने लिखा था, परेटो विल ऑलवेज हैव अ हैवियर टेल देन एक्सपोनेंशियल। अब देखो इन्होंने तीन पेज 34 में तीन डायग्राम बनाए हैं हजार्ड फंक्शन के, that is for gamma, different values of gamma. When gamma is, when gamma with alpha equals 1 becomes exponential lambda. तो इसको मैं इधर बना लेती हूँ, ये आपका वापस से ध्यान रखना एच एक्स है, ठीक है? तो ये है with alpha equals 1, तो सबका lambda same है gamma का, ठीक है? ये है अल्फा इक्वल्स 2 और ये है अल्फा इक्वल्स 0.5, मतलब लेस देन, ठीक है? तो लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1,
तो यहाँ हम लोग ये एक्सपोनेंशियल बन गया, तभी वो आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो इन तीनों में देख के बताओ स्ट्रेट अवे किसका हैवी टेल होगा, हैवी टेल, हैवी टेल किसका होगा? क्यों? तो जिन लोग भी अल्फा टू बोल रहे हैं, आप लोग का रीजन क्या है कि तुम बोल रहे हैं कि अल्फा एच एक्स नीचे है और बट है इंक्रीजिंग और ये है डिक्रीजिंग बट नीचे है, तुम बोल रहे हैं कि ये इसके नीचे है ना, तो इसीलिए इसका हैवी टेल होगा, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, समझा? तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर देख रहे हो वो अलग लॉजिक है, बट है तो इसके ऊपर ना सेम प्लॉट में। तो इसको रीड करते हैं वेरी नाइसली, दे हैव रिटन फॉर द गामा डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड दैट व्हेन अल्फा इज वन वो एक्सपोनेंशियल बन जाते हैं, तो उसका कांस्टेंट रेट आएगा हजार्ड का। जब अल्फा लेस देन वन है मतलब वो ऊपर वाला 0.5, सो हजार्ड डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस विच टेंड्स टू ला, तो इट इज टेंडिंग टू वन फ्रॉम अबव and this is also tending to alpha, this only from below, ठीक है? This indicates a lighter tail than exponential, मतलब ये आपका lighter tail है if you compare it with alpha equals 1, this इसके लिए बोल रहे हैं lighter tail compared to alpha equals to 1, above क्या लिखा है, this indicates a lighter tail than exponential distribution with parameter lambda above any fixed threshold x, but the same tail thickness in the limit. क्या बोल रहे हैं? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक देखोगे, सपोज एक यहां तक देखोगे, खाली यहां तक देखा है हमने, प्लॉट यहीं तक किया है, तो इस एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x तक देखेंगे कि उसका लाइटर टेल है और उसका हैवी टेल है when you compare these two. But after some value, it will become same only, na? Because this will actually tend to 1. So that is why this line is mentioned. Ki till some fixed threshold x, after that it will be same. Because this is tending to 1, it will tend to 1, it will become 1 at some point. Matlab, wo same ho jayega. Similarly, when alpha is greater than 1, matlab wo 2 ke liye, hazard is increasing and tending to exponential from below. This indicates a heavy tail than exponential with parameter lambda above any fixed threshold but same tail thickness in the limits. तो तीनों का एकदम extreme value of x में same thickness आएगा. But to some extent you will see कि इसका आपका thickest होगा. ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3. So, ये आप लोगों ने अगेन जिन्होंने किया है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने उसमें भी एक लाइन लिखा था, बट यहाँ क्लियरली समझ आ रहे हैं वेबल सॉरी हाँ गामा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ अल्फा इक्वल्स 1 इज सेम एज एक्सपोनेंशियल एंड परेटो का बेटर होगा, परेटो का थिक टेल होगा कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल ऑल्सो एंड कंपेयर टू गामा एज वेल. ठीक है, मैं तीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर कर रही हूँ, परेटो, एक्सपोनेंशियल एंड गामा को. अगर गामा, ध्यान से सुनना, गामा का अल्फा लेस देन 1 है, सो दिस इज लाइटर टेल देन एक्सपोनेंशियल, तो ऑब्वियसली लाइटर टेल देन परेटो भी हो जाएगा, क्योंकि परेटो का सबसे थिक है कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल एज वेल. एंड अगर दिस इज ग्रेटर देन 1, इट इज थिकर देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल, बट परेटो का यू कैनॉट से, यू विल हैव टू चेक, यू कैनॉट से फॉर परेटो. अंडरस्टूड? क्विक इसको रीड करो, पेज 33 के नीचे में जो लिखा है एंड वो डायग्राम तक जो लिखा है. फिर इन्होंने ना एच एक्स निकाले तीनों के लिए, एक का 0.2 आ रहा है, एक का 0.2 बाय 1 प्लस 5 बाय एक्स आ रहा है पहले वाले का, एक का 0.2 आ रहा है एच एक्स, और एक का वो पूरा बड़ा सारा आ रहा है, कुछ जरूरत नहीं निकालने का.
ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। पेज 35, फॉर द परेटो डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड द हजार्ड रेट इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स विच टेंड्स टू जीरो कंफर्मिंग अ हैवी टेल, जो हमने देख लिया परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अल्फा बाय लैम्डा प्लस एक्स है तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज टेंड टू जीरो, मतलब हमेशा हैवी टेल रहेगा। इन्होंने ना ये जो पूरा डी वेबुल पी वेबुल के हम लोग करेंगे आर में, लास्ट मेथड, ये क्लियर है सबको? तो अगर हजार्ड, ये वाला डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट था, ये हजार्ड वाला, अगर हजार्ड गोज डाउन मतलब उसका थिक टेल होगा। ये प्लीज एग्जाम में बहुत केयरफुल रहना, हड़बड़ में मिस्टेक हो जाते हैं। मीन रेस्ट, बहुत लोग तो आर प्रोग्रामिंग में प्लॉट को पेस्ट ही नहीं करते, भूल जाते हैं। हाँ, तुम लोग के साथ हुआ है? मतलब नहीं हो तो अच्छा हो, कभी ना हो, तुम लोग प्लीज प्रैक्टिस जब करोगे प्रॉपर करना, बिकॉज CS1 में मिस होगा चलेगा, यू कैन कवर इट अप, बट CS2 में ग्राफ ही तो बन जाता है अच्छे से, और वो भी पेस्ट करना भूल गए तो गया उधर ही 3 से 4 मार्क। एंड हुआ है, लिटरली हुआ है, एवरी टर्म में होता है, CS1 का बच्चा लोग के साथ भी, CS2 के साथ भी। तो ये सब एकदम कब, ये सब छोटा छोटा चीज क्यों ध्यान में रहेगा, तुम्हें प्रैक्टिस पूरा मॉक मॉक सिनेरियो में करना, प्रॉपर सिमुलेटेड सिनेरियो में। मतलब फोन करके रोने लग जाते, पता नहीं रोना ही आ जाता एकदम कि मैम छूट गया 5 मार्क, तो श्योर श्योर था पेस्ट करना भूल गए। क्या कर सकते बताओ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती कि IFA को बोल दे तुम लोग कंसिडर करने। छोड़ो मेन, हाँ बोलो खुशी। मैम व्हाट डज दिस मीन दैट बट द सेम पल्स इक्वल्स इन द लिमिट? हाँ कौन सा? दिस अल्फा लेस देन 1 एंड अल्फा ग्रेटर देन 1 स्टेटमेंट्स। लिमिट मतलब क्या हो रहा है? दिस इज टेंडिंग टू 1 ओनली ना, एंड दिस इज आल्सो टेंडिंग टू 1, तो एक पॉइंट के बाद तीनों का हजार्ड रेट सेम हो जाएगा फॉर सम वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एक्स। सो इन दैट केस आप लोग का जो टेल होगा वो तीनों में सेम आ जाएगा, वही बोल रहे हैं, फॉर लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स इट विल बी सेम इन ऑल थ्री केसेस, बट फॉर टू सम एक्सटेंट आपको वो डिफरेंस दिखेगा। अंडरस्टूड? डिपेंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, नॉट थ्रेशोल्ड ओवर हियर आई विल से, क्योंकि इधर थ्रेशोल्ड का कुछ नहीं है, बट नॉट, इट विल नॉट डिपेंड ऑन अ थ्रेशोल्ड, आप नहीं डिसाइड करोगे। फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यूज मतलब टुवर्ड्स द लाइक एंड, 1 परसेंटाइल वैल्यूज एकदम लास्ट के, इधर कोई थ्रेशोल्ड नहीं बता रहे अपने। ठीक है, मेन रेसिडुअल लाइफ, अब सुनो ये हटाओ, ये पूरा उल्टा है हजार्ड का, पहले सुन लो। अगर मैं बोलती हूँ एक का मीन रेसिडुअल लाइफ, दोनों का 8-7, तुम लोग जिन्होंने CM1 पढ़ा कैन रिलेटेड मोर, दोनों का 8-70 है, ठीक है, इसका ये निकालते हो तुम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ TX, T70 बेसिकली। अगर जिसको नहीं पता छोड़ दो, इजी भाषा में आई एम 70 ईयर ओल्ड, मेरा कितना और एक्सपेक्टेशन है कि कितने साल हम जिएंगे। तो एक का हम बोल रहे हैं चलो ये 30.5 ईयर्स और जिएगा, 100 साल एक्सीड कर देगा, और एक का बोल रहे हैं 15, तो इसका ज्यादा हुआ ना लाइफ, तो ये हैवी टेल हुआ ना, क्योंकि इसका हाई वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल, ये है मेन रेसिडुअल लाइफ, बस समझा? ऊपर ऊपर से यही है पूरा, इसको अगर लिखना है ऐसे, पता नहीं जो भी मैंने लिखा है वो लिख लो, तो क्या समझने में जब रिवाइज करेगा तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। सब ये सोचो कि CS2 का एग्जाम कल है और आज बैठ के 21 चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं, तो कैसे क्विक रिविजन पॉसिबल है? मतलब तुम लोग का पता नहीं, बट मैंने हर एग्जाम में अपना एग्जाम के पहले 2 दिन में पूरा रिवाइज किया सिलेबस, पॉसिबल इन ऑल सब्जेक्ट्स, 5 दिन नहीं लगता रिवीजन में, 2 दिन में रिवीजन हो जाता है। इतना इजी है, इससे इजी कुछ हो सकता है बताओ?
फिर तुम लोग बिना मतलब इतना डरता है, रात में सपना आना स्टार्ट हुआ है क्या किसी को? मेरे को तो पता नहीं, रिजल्ट के बाद मतलब मेरा जब SA7 क्लियर हो गया उसके बाद मेरे को भी रिसेंटली आई थिंक 10-15 डेज पहले सपना आया कि मेरा मेरे को क्योंकि CB1 में सबसे कम मार्क्स मिला आज तक सारे पेपर्स में, और पता नहीं क्यों मेरे को समहाउ अकाउंट्स उतना पसंद भी नहीं था कभी से, तो मेरे को सपना आया कि मेरा CB1 का कल एग्जाम है और मैं भूल गई एग्जाम देना, फिर मेरे को लास्ट में कोई याद दिला रहे कि अभी तुम्हारा एग्जाम है तो मैं एग्जाम देने बैठी हूँ, फिर मैं एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, फिर मेरे को अंकित सर डांट रहे कि तुमको ये नहीं आता था, ये तो इजी था, तुमको बोला था ये ऐसे होगा, ऐसे मतलब कि पढ़ लेना चाहिए था ये चीज, फिर मैं नींद खुल गया, फिर बोले ये क्या सपना था, फिर मेरे को एक बार के लिए हिट नहीं किया, मेरे को सच्ची में लग रहा था मैं CB1 का एग्जाम कर ले, होता है ना कभी जब सो के उठते एकदम सपने से, उसके बाद मेरे को तब रियलाइज हुआ अरे मेरा तो पेपर्स हो गया सारा, अब मेरे को क्या चीज का टेंशन हो रहा है, पता नहीं समहाउ ऐसे 10-15 डेज पहले आया था, तुम लोगों को भी आता होगा आई गेस, दिस इज अ वेरी कॉमन आई थिंक हम देखा है ड्रीम की एग्जाम है और भूल गए कि एग्जाम है, और या फिर ऐसा मेरे को पहले बोर्ड्स के टाइम पे ऐसे बहुत आता था कि लिफ्ट से गिर गए नीचे, हुआ है किसी के साथ? तुम लोगों को नहीं आया ये सब सपना? नहीं 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 टेंशन अभी क्या टेंशन था 10 दिन पहले कि मेरे को CB1 का, नहीं ऐसा भी नहीं था कभी कम आया, पागल है क्या, पास हो गए बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं था कभी भी, बट और CB1 दिया भी कितना पहले था, बट तुम लोगों को किसी को नहीं आया गेस, दिस इज अ वेरी कॉमन ड्रीम, जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा होता है कि लिफ्ट से गिरने का, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं और स्टेयर्स एकदम ऐसे स्ट्रेट हो गया तो नीचे गिर रहे हैं, ये सब नहीं आया हम लोग को? हम लोग कैसा है? हाँ देखो इन लोग हैंड रेस कर रहे हैं, इन लोग को आया ये सब सपना? हाँ तुम लोग सर्च करना कॉमन ड्रीम्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, ये बहुत कॉमन ड्रीम्स है, और मेरे को आया हुआ है ये सब ड्रीम्स, और लिफ्ट एलिवेटर वाला और स्टेयर्स वाला तो मेरे को स्कूल में बहुत आया हुआ है, मे बी तब डर लगता हो या जो भी होता हो, एग्जाम एंजाइटी वट एवर, स्टेयर्स में चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स ऐसे स्ट्रेट हो गया और गिर रहे नीचे, और एलिवेटर में चढ़े ऊपर गया और खराब हो गया एलिवेटर नीचे गिर रहा एकदम, ऐसा बहुत सपना है मेरे को तो, जो भी बट CB1 वाला वॉज वेरी फनी रिसेंटली। चलो तो ये हो गया, इसके बाद इसको हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स टू इन्फिनिटी, ये मैं समझा दूंगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, पहले कॉपी कर लो। यार तुम लोग को सपना कैसे नहीं आया, मतलब मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है, किसी को तुम लोग को किसी को नहीं आया सच्ची में अभी तक, स्कूल में भी नहीं, बोर्ड्स में भी नहीं, गिर रहे पैर फिसल गया ये कुछ, हाँ बट और हुआ है ना, मतलब कोई भी एक रीजन है तुम गिर रहे, बस आया हुआ है ना वो सीधा हो गया बात, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए वैसा हुआ, बट गिर रहे हैं स्टेयर से बेसिकली या लिफ्ट से गिर रहे हैं, एस्केलेटर से गिर रहे हैं, आया है ना, हाँ वही गिरने वाला, हाँ वही खुल जा, मेरा भी खुल गया ऑब्वियसली खुल जाता है, बट CB1 वाला तो मेरे को एक बार अचानक से नींद खुला तो मेरे को लगा शायद CB1 का कल एग्जाम है, फिर मेरे को रियलाइज नहीं अब तो एग्जाम नहीं देना है, वेरी कॉमन मतलब फनी एकदम। अब देखो इसको इसको ट्राई कर सकते हैं समझाने का जिसको याद है, हाँ बोलो मेहुल बोल, बाय क्या है पहले तो ये बताओ, y है क्या, y इज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड जो हम लोग ओमेगा बोलते थे, सो बेसिकली जिसको नहीं पता ओमेगा, y इज द जैसे हम लोग बोल सकते हैं टेबल बुक जब बनता है तो हम लोग बोलते हैं 120, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई 120 के ऊपर तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई अगर गिना चुना एक जन 121 तक जिंदा रहेगा तो उसको हम लोग सीधा 130 कर देते हैं, सो मैक्सिमम लाइफ पॉसिबल माइनस माई करेंट एज, तो दिस इज द रेसिडुअल लाइफ पॉसिबल y माइनस 70, उसका उसका एक्सपेक्टेशन हो गया ये बेसिकली, ठीक है, और नीचे नीचे क्या है, किसका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि वो मैक्सिमम लाइफ टाइम तक जिएगा, बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं गिवन
कि वो मैक्सिमम टाइम तक जिएगा, ठीक है, और ऊपर में हम लोग ले रहे हैं उसका मीन कि इतना इयर्स, लाइक सपोज और 20 इयर्स जिएगा गिवन कि वो उस टाइम तक जिंदा रहा. नीचे में देखो बहुत अच्छे से लिखा है, दिस फंक्शन गिव्स द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग सर्वाइवल टाइम गिवन सर्वाइवल अप टू सर्टेन पॉइंट. मतलब यहाँ हम लोग जो करते थे ना एक्सपेक्टेशन टी एक्स, दैट वॉज की टी 70, मतलब आपका और 70 के बाद कितना ईयर जिंदा रहेगा. बट यहाँ एक कंडीशन है गिवन कि वो उस टाइम तक जिंदा रहेगा एक हाईएस्ट एज तक. सो गिवन द सर्वाइवल टाइम अप टू सर्टेन पॉइंट, वॉट इज द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ टाइम. Understood? क्या नहीं समझ आया? Why is the maximum age possible? Current age. तभी तो y minus x is the residual life. So expect, ये हो गया expected residual life given to maximum age तक जिंदा रहोगे. ठीक है, तो ये अंडरलाइन करो, दिस फंक्शन गिव्स द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम सर्वाइवल टाइम गिवन सर्वाइवल अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, उसी को तोड़ के ऐसे लिख दिया. अब यहाँ पे डिटरमाइन द मीन रेसिडुअल लाइफ दोनों एक्सपोनेंशियल का एंड परेटो का, जैसे हमने हजार रेट में किया, इसमें पुट इन करो वैल्यूज और बताओ क्या आएगा. सॉल्व करो, पहले एक्सपोनेंशियल के लिए करना, ई एक्स निकालो, फिर परेटो, पुट इन करो वैल्यूज इसमें, एफ एफ वाई जो होगा ना वो तुम लोग कैसे लिखेगा, एक्स की जगह वाई, मतलब ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई और ये हो जाएगा e to the power minus lambda x. करो तुम ये y is any number between x and infinity. तुम ये कर क्या रहे, तुम इधर x भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट टू जस्ट अंडरस्टैंड तुम लोग क्या कर रहे हो, x से infinity तक इंटीग्रेट करो एनी वैल्यू बिटवीन x एंड इनफाइनाइट. एक्स को लेना है, इसके लिए बाहर निकलने के लिए
कराया होगा मेमोरी लेस प्रॉपर्टी कराया हम लोग अभी तक हम लोग पॉइजन में और अच्छे मतलब मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है जो हम लोग रीइंश्योरेंस में भी किए थे तुमको फर्क नहीं पड़ता कि इस पॉइंट तक क्या हुआ है इंडिपेंडेंट है एक्स और एक्स प्लस यू तो अगर मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एक्स प्लस यू तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता एक्स तक क्या हुआ है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी वही चीज पूरा प्रूव होता है
एक चीज देखो जो मेरे को डाउट मिला इधर, वेरी वैलिड डाउट. तुम लोग आओ एक बार पेज नंबर 36 पे पहले, और नीचे देखना जो इन्होंने ई नॉट एक्स निकाला है. सो इफ यू ऑल सी ई नॉट एक्स इज बेसिकली 1 माइनस एफ टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ एक्स है. इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स होता है. मतलब आप एक्स तक प्रोबेबिलिटी कि आप एक्स तक तो जिंदा हो ही, विच इज जिन्होंने CM1 किया है एक्स पी जीरो, जीरो इज द एज एंड एक्स तक तो आप मिनिमम जिंदा रहोगे. दिस इज गिवन. एंड इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन टी प्लस स्मॉल एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी कि आप टी प्लस एक्स से ज्यादा जिंदा रहोगे. नाउ दिस इज टी, यहाँ पे हम वाई ले रहे हैं. वाई का मतलब है मैक्सिमम एज, कब तक जिंदा रहेंगे. दिस इज टी इज एडिशनल नंबर ऑफ इयर्स. अभी हम लोग 70 के हैं, 20 इयर्स तक और जिंदा है, दैट इज टी फॉर यू. यहाँ पे हम लोग का टी हो जाएगा, वाई हो जाएगा 90 बेसिकली इन दैट सेंस. तो वाई एंड टी आर नॉट सेम. एंड इसको इन्होंने और कैसे लिखा है, अगर तुम लोग देखो इसको इन्होंने लिखा है जीरो, पेज नंबर 36 के नीचे में इसको इन्होंने लिखा है जीरो से इन्फिनिटी 1 माइनस एफ टी प्लस एक्स टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस. अगेन ये वाला क्या लॉजिक बोल रहे है, ये लॉजिक बोल रहे है कि दिस टी मतलब एडिशनल नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर एज 70, आफ्टर एज एक्स can be anything between 0 and infinity. It can be either you're living for just 1 year, 1 more year, 1.5, 2, 2.5, any number up till infinity. Same yahan x se infinity kyun kar rahe hain, kyunki y is a age not number of years, age which is greater than x. Ha, yahan t is a number of years, yahan y is age ki 90 which is greater than 70. So it has to be greater than x. Any number between x and infinity. Any number between 70 and infinity if x is 70. Understood logic? So ye ho gaya probability ki aap x tak to zinda rahe ho. And ye ho gaya aapka mean expected future lifetime. Ab x ke aage aur kitna. Jaise idhar tha. Ye wala. Ki x ke aage aur kitna. ये वाला आया, बताओ इसमें क्या आया. तुम लोगों ने पूरा पूरा वैल्यूज फीड इन सेकेंड इक्वेशन लेके, फर्स्ट इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं है. ये वाला इक्वेशन में डालो एफ वाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई हो जाएगा, उसको सॉल्व करो. बेसिक इंटीग्रेशन क्या आ रहा है फाइनल, सबका आया क्या 1 बाय लैम्डा, करो एक बार. एंड सेकेंड वाले का पूरा बड़ा सा सॉल्व करके, तुम लोग किया ही नहीं होगा सॉल्व ऑनलाइन. वापस से हम लोग लिमिटिंग एज डाल के देखेंगे. मतलब अगर लिमिट एक्स टेंस टू, इसमें तो हम लोग को मिल रहा है कॉन्स्टेंट 1, एंड ये क्या है 1 बाय हजार रेट, एच एक्स था ना लैम्डा, ये 1 बाय हजार रेट हुआ मीन रेसिडुअल लाइफ. दिस इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग. अगर आप लोग का बहुत सिंपल है, 1 बाय लैम्डा क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, मीन रेसिडुअल लाइफ हो गया ना. 1 बाय लैम्डा क्या होता है एक्सपोनेंशियल का मीन. अगर आपका हजार्ड वॉज लैम्डा, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हजार्ड इज लैम्डा एंड बेसिकली वी आर सेइंग दैट एक्स फॉलोज लैम्डा, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं मीन क्या होगा. एंड वाई इट इज 1 बाय लैम्डा, ऑल्दो आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी, आइडियली अगर हम लोग एकदम सिंपल भाषा में समझें, एक्स इज ग्रेटर देन वाई गिवन एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एक्स.
गिवन हम एक्सेस 70 ईयर्स तक सर्वाइव किए, प्रोबेबिलिटी कि हम अनदर 9 या फिर इसको y प्लस एक वैसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग और अनदर कितने ईयर्स तक जिंदा रहेंगे, अनदर 90 के भी ऊपर जा रहे लेट्स सपोज, सो इसका कोई मीनिंग नहीं है. मेमोरी लेस प्रॉपर्टी मीन सेम रहेगा 1/λ. अंडरस्टूड लॉजिक 1/λ क्यों आ रहा है? ऑल ऑफ यू क्लियर? मार्कोव जब करेंगे मैं डायरेक्टली पूछूंगी, उधर एक्सपोनेंशियल दिया होगा, मैं डायरेक्टली पूछूंगी मीन लाइफ टाइम क्या होगा, तुम लोग को आना चाहिए 1/λ. अंडरस्टूड 1/λ. अब इधर इस वाले के लिए कैसे शो करेंगे? लैम्डा प्लस एक्स अल्फा माइनस वन. सो फॉर हाई वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्वियसली टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन मीन 1000 का टेंड कर रहा था, जीरो में टेंड कर रहा था, और मीन लाइफ टाइम कहाँ टेंड कर रहे तो हैवी टेल हुआ ये. मैंने क्या बोला था, जिसका ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा मीन लाइफ टाइम होगा, रेसिडुअल लाइफ टाइम, उसका हैवी टेल होगा. वही लॉजिक इधर प्रूव हो रहा है. इसको रीड कर लो एक बार. क्वेश्चन में जो नीचे में वर्डिंग्स लिखा हुआ है उसको रीड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका 3 मार्क्स का कमेंट आएगा इसमें, तो आपको क्लियरली. अरे भाई तुम पेज ही घुमा ले रहे, पेज 36 क्वेश्चन में नीचे में जो लिखा हुआ है, दिस मीन्स वाला पूरा रीड करो उसको. So basically, if expected future lifetime या mean residual lifetime decreases as age increases, x increases, मतलब very few people will live up till high ages, so lighter tail. Opposite in case of hazard rate. तो 4 अलग अलग क्या measurements पड़ा? पहला था existence of moments. अगर moments exist, ज्यादा moments exist करेंगे तो वो light tail होगा. एक का खाली M1, M2 है, एक का M3, M4 तक जा रहा है, तो ये लाइट टेल हो गया. सेकंड, लिमिटिंग डेंसिटी. अगर हम लोग दोनों का पीडीएफ प्लॉट कर पीडीएफ लेके इन्फिनिटी आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर हैवी टेल है, जीरो आ रहे हैं, डिनोमिनेटर हैवी टेल है. हजार्ड रेट, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है, हजार्ड रेट डिक्रीज हो रहा है, तो हैवी टेल. और मीन रेसिडुअल लाइफ, एक्स इंक्रीज हो रहा है, मीन रेसिडुअल डिक्रीज हो रहा है, सो लाइट टेल. अंडरस्टूड? क्लियर? बस यही तक है. अब देखो इन्होंने मीन रेसिडुअल लाइफ प्लॉट किया, जैसे पेज नंबर 37 में नीचे में उल्टा है पूरा. ये ऊपर वाला अल्फा 2 है, नीचे वाला अल्फा 0.5 है. ठीक है, तो सेम लॉजिक है कि अल्फा 2 का हैवी टेल है, बट अगेन टिल सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्स फॉर लिमिटिंग या लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब वेरी हाई वैल्यूज, 1 percentile, 0.5, 0.05 percentile values of x same हो जाएगा, क्योंकि वो same tend करेगा. Clear है? अब तुम लोग को पूरा यहाँ तक read करना है जो next 20 pages around है, and तुम लोग को बाकी questions up till 16.7 solve करना है. कल पहले I will take कोई doubts है वो मैं ले लूंगी, and then we'll move to paper B. तो कल laptop लेके आना, EVT खत्म कर देंगे. हाँ? किसमें आधी घंटा लगेगा? हाँ, कब आधी घंटा लगा था भाई? कौन सा ईवीटी पढ़ा था तुम? 3x करके देखा था मैं वीडियो? तुम समझता नहीं है, कुछ है नहीं को भी तुम कल देखना. ठीक है, व्हाट कैन वी से अबाउट एक्सपोनेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ मोमेंट्स? मतलब नहीं समझ आया खुशी क्वेश्चन? मैम एक्सपोनेंशियल में तो अल्फा पैरामीटर होता ही नहीं, तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स का क्या? वही मैं बोल रही हूँ कि तुम पारेटो और एक्सपोनेंशियल को क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुमको निकाल के देखना होगा कि मोमेंट्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं, समझ रहे हो? तुम अल्फा खाली पारेटो के लिए ले सकते हो व्हेन कंपेयरिंग टू पारेटो, नॉट पारेटो एंड एक्सपोनेंशियल यू कैन नॉट कंपेयर थ्रू एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट्स. भाई उसका शॉर्टकमिंग है, तभी अपने लिमिटिंग रेशियो यूज करते हैं.
क्लियर? प्लीज एक बार रुक जाओ, बैठो, 2 मिनट, क्लास खत्म नहीं हुआ। मैम दो एक्सपोनेंशियल के लिए भी नहीं कर सकते फिर तो एग्जिस्टेंस, नहीं कर सकते। टेबल बुक खोलो, टेबल बुक में देखो, ये बार रीड करना, कल डाउट आए तो फिर से पूछना। ये वाला देखो, ये तुमको चेक करना है कि किधर एग्जिस्ट हो रहा है किधर नहीं। जैसे ये सॉल्व करके ये आया ना, गामा का ये आया ना, तो पता चल रहा है के ज्यादा होगा तो क्या होगा, के कम होगा तो क्या होगा। इससे मैं लो ली एक्सपोनेंशियल का करके देखना। ओके मतलब पूरा ऐसे करना पड़ेगा, देयर इज नो सर्टेन एड्रेस। नो 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 नो, नथिंग नथिंग। ओके ओके ठीक है, चलो लेट्स डू इट टिल हियर, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।